देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है कि नहीं और स्क्रीन शेयर है और मेरा आवाज आ रहा है ना सबको यस यस ठीक तो देखो हम लोग लास्ट दिन जो है मैथ्स के क्लास में इंडीसीस स्टार्ट किए थे ठीक है तो इंडी में मेनली देखो हमें क्या करना है तुम लोग को जैसे मैंने बोला था जो भी क्वेश्चन करवाया सबसे पहले तुम लोग को वो प्रैक्टिस करना चाहिए ठीक है अगर किए हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर नहीं किए हो तो फिर से नया लगेगा ठीक है आई होप की किए तो हो गए तो देखो मैंने बोला भी था ये देखो मैंने फॉर्मूला जो लिखवाए थे वो एक बार हम रिकॉल करवाते हैं क्योंकि हमें ये सारी चीजों का जरूरत होगा जैसे देखो अगर बेस सेम है और हमें एक्टिविटी जो है वो मल्टीप्लीकेशन का बोला है तो पावर एड हो जाते हैं ठीक है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में वैल्यूज बढ़ता है तो पावर एड हो जाएगा सेम चीज अगर इनटू के जगह डिवाइड हो और बेस सेम है पावर अलग अलग है तो पावर माइनस हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड करने पे वैल्यू कम होता है मल्टीपल पावर अगर है तो वो इनटू हो जाएंगे आपस में ठीक है मल्टीपल पावर अगर है तो वो आपस में इनटू हो जाते हैं और अगर यहाँ पर अगर जैसे माइनस में है पावर तो क्योंकि माइनस का कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है देखो माइनस का पॉजिटिव करना क्यों जरूरी होता है क्योंकि तुम लोग कैलकुलेटर देखोगे जैसे देखो नॉर्मल जो हम लोग का कॉमर्शियल कैलकुलेटर है जो तुम लोग को एग्जाम में भी यूज करना चाहिए नॉर्मली भी उसी का हैबिट रखना चाहिए लेकिन अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर कभी यूज किए हो या देखे हो तो वहाँ पावर का फंक्शन भी हम लोग कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं बट क्या होता है माइनस का नॉर्मली डायरेक्ट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होता है तो इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा पावर को तो हम लोग क्या करेंगे वन बाई जब भी पॉजिटिव करना हो तो जिस पे नेगेटिव पावर है उसको वन बाई कर दो ठीक है और पावर को हम लोग पॉजिटिव करेंगे और एक क्या पढ़ा हम लोगों ने समथिंग टू दी पावर जीरो ठीक है दुनिया में कोई भी नंबर हो उसके पावर में जीरो लगने पे वो वन हो जाता है ठीक है और अगर यहाँ पर ये जो है अंडर रूट ठीक है अंडर रूट मतलब रूट के यहाँ पर जो है और ये है यहाँ पर रूट के साइड में जो रहता है जिसे हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे पता ही इसको हम लोग बोलेंगे क्यूवे रूट ठीक है इसको हम लो लोग क्या बोलते हैं क्यूवे रूट ठीक है जैसे यहाँ पर रहता है मान लो ऐसे है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक रूट ठीक है मतलब पढ़ने का तरीका बोल रहे क्यूबिक क्योंकि थ्री तो यही चीज यहाँ पर बोल रहा है देखो ये क्यू है तो ये क्यूवेथ रूट हो गया अब टू होगा तो स्क्वेयर रूट बोलेंगे ठीक है टू होता है तो वो स्कोर रूट होता है जबकि टू लिखना लिखा नहीं जाता है एज्यूमड है कुछ नहीं है मतलब टू ही है ठीक है ये सब हम लोगों ने पढ़ा था अच्छा क्यूबिक रूट मतलब रूट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर मैंने पावर्स भी दिखाए थे तो ये मल्टीप्लाई हो गया सेम पहले वाले कंसेप्ट और वन बाई टू अच्छा और अगर अंदर अलग अलग बेस है और पावर में एक ही वैल्यू है तो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सेम चीज डिवाइडेशन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है एक बार मैंने रिकॉल करवा दिया ताकि जब हम लोग फिर से क्वेश्चन करें तो प्रॉब्लम ना हो वैसे जब जब हम क्वेश्चन करेंगे हम फिर से बोलते जाएंगे कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग टेन तक कर चुके थे ठीक है अब हम लोग क्वेश्चन नंबर इलेवन से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन ओके यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड uh, ब्रैकेट ठीक है हम इसे सेकेंड ब्रैकेट बोलते तुम लोग कुछ और बोल सकते हो ठीक है फिर फर्स्ट ब्रैकेट मतलब हम इसे फर्स्ट ब्रैकेट बोलते हैं थ्री टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर टू ये रहा होल टू दी पावर टू इन टू इन टू यहाँ पर फोर टू दी पावर टू होल टू दी पावर थ्री अच्छा इसके बाद आ, फिर इन टू दी पावर थ्री फाइव टू दी पावर थ्री होल्ड टू दी पावर टू ठीक है फिर ये ये स्लैश जो है ना ये डिवाइड है ठीक है ये स्लैश जो है ये डिवाइड है तो हम एक काम करते हैं तुम लोग को पूरा इसे डिवाइड करके करवाते हैं ठीक है तो ये क्या होता है ना हम लोग को करने में आसानी रहता है तो ये तुम लोग समझ जाओ कि जो स्लैश लगा हुआ है वो डिवाइड के लिए लगा हुआ है स्लैश का मतलब डिवाइड होता है अब डिवाइड कर दिया मैंने नीचे का नंबर लिखते हैं फिर से ये ब्रैकेट स्टार्ट है फिर ये ऐसे कुछ है थ्री टू दी पावर टू कुछ है four, four the power three, the power two, फिर यहाँ पर फाइव टू पावर टू होल टू दी पावर थ्री ऐसा है ये देखो फिर ये वाला क्लोज है अब देखो क्वेश्चन देख के ना हमें अपना थोड़ा सा क्या करना है हमें अपना दिमाग का यूज करना है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाए ठीक है ये है एक्सरसाइज बन सी ठीक है हम थोड़ा सा आंसर देखने के लिए इसको चेक किए एक्सरसाइज ठीक है चलो हम लोग इलेवंथ वाला करें तो हम लोग को क्या करना है तुम लोग ऐसे मत करो थ्री टू दी पावर थ्री है तो इसे नाइन का नाइन टू दी पावर टू कर दो ऐसे भी होगा क्या ऐसे नहीं होगा हम ये करने के लिए मना इसलिए नहीं कर रहे कि ऐसे नहीं होगा ठीक है फाइव क्यू देखो ये जो है यहाँ पर फाइव क्यूब है फाइव क्यूब का जैसे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन होता है ना फाइव क्यूब वन ट्वेंटी फाइव होता है ठीक है मुझे मतलब करके आदत हो जाता है तो हम लिख देते तुम लोग कैलकुलेटर यूज करके देख सकते हो बट इसमें ना टफ होगा क्यों टफ होगा फिर से तुम लोग को इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा तो हम लोग को क्या करना है ज्यादा कैलकुलेशन को अवॉइड करना है हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तो इसीलिए फॉर्मूला सीखना थोड़ा सा जरूरी होता है मल्टीपल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं मतलब देखो थ्री टू दावर थ्री होल टू दी पावर थ्री टू है तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं तुम लोग बताओ अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला ए टू दी पावर एम होल टू दी पावर एम क्या होता है ए टू दी पावर एम एम अगर नहीं गो थ्रू किए हो तो अभी हम गो थ्रू करवा रहे तो हो जाएगा चैप्टर ये देखो अगर ये होता है ना फॉर्मूला जो कि तुम लोग के कॉपी में जरूर लिखा हुआ होगा तो मुझे बताओ इसका हम क्या लिखे इसके बेसिस पे क्योंकि हम वैसे नहीं करना चाहते उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा अभी मैंने दिखाया ना नाइन का स्क्वायर होगा 16 का क्यूब होगा फिर वन ट्वेंटी फाइव कैलकुलेट होगा बट बहुत टफ होगा इससे आसान तरीके से करेंगे तो तुम लोग मुझे इतना बताओ कि इस फॉर्मूले का यूज करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है तो थ्री टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर टू कौन बताएगा बोलो इसको हम क्या लिखे थ्री टू पावर क्या लिखे बोलो कौन बताओ तो? बोलो ना सिक्स करेक्ट अच्छा उसके बाद 4 टू दी पावर कितना लिखेंगे बोलो सेम ही तो प्रोसेस है सारा सेम प्रोसेस है बोलो 4 टू दी पावर क्या लिखेंगे 6 6 करेक्ट फिर 5 टू दी पावर क्या लिखेंगे 6 होगा ना 12 होगा 3 और 2 है 3 2 12 तो नहीं उधर थ्री इंटू टू सिक्स टू इंटू थ्री सिक्स इंटू टू सिक्स तो, तो जैसा था वैसा ही लिखा हुआ है हम लोग तो सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ना ए जैसा है वैसा ही रहेगा हम लोग सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करते हैं तो थ्री जैसा है वैसा ही लिखा हुआ रहेगा हम लोग पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फोर जैसा है वैसा ही लिखा हुआ रहेगा हम लोग सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव जैसा है वैसा ही लिखा हुआ रहेगा हम लोग सिर्फ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे ठीक है अच्छा अब 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 मुझे नेक्स्ट बताओ मतलब यहाँ पर बताओ अगर कोई डाउट नहीं है बिना डाउट के मुझे बताओ कितना लिखना चाहिए मुझे हाँ, कितना कितना पावर सिक्स लिखेंगे पूरा बताओ सिक्स तो होगा कितना टू दावर सिक्स करेक्ट थ्री टू पावर सिक्स उसके बाद क्या लिखेंगे फिर से फोर टू दी पावर Six हो जाएगा और फाइव टू पावर सिक्स हो जाएगा अच्छा अब इसका सोल्यूशन क्या होगा बोलो मतलब ये करके फायदा क्या होगा क्या क्या कैंसिल आउट नहीं होगा हाँ बोलो वन आएगा वन आएगा ना ये देखो इसका बेनिफिट ये हो और कुछ नहीं अब देखो मैंने तुम लोगों से पूछा फॉर्मूला रिकॉल करवाया तो इतना टाइम लगा अगर तुम लोग खुद से फॉर्मूला जो है याद रखना जब स्टार्ट कर दोगे मतलब देखो ये एक प्रैक्टिस का बात होता है ये हम नहीं बोलेंगे दो क्लास में याद हो जाएगा मेहनत तो करना पड़ेगा ना तो हम वही बोल रहे हैं कि देखो मेहनत हम भी कर रहे हैं बार बार क्यों लिखवा रहे हैं हम चाहे तो एक बार लिखवा दिए मेरा अगर हम सिर्फ ड्यूटी के हिसाब से ले तो हो जाता है लेकिन हम चाहते हैं कि तुम लोग को करो इसीलिए हम तुम लोग के साथ मेहनत कर रहे हैं ठीक है थीके? तुम लोग भी मेरे साथ अपने तरफ से एफर्ट डालो ठीक है तो यहाँ पर देखो वन आ गया ठीक है ये करने से जल्दी से वन आएगा और वो जो था ना उसमें भी होगा ये देखो नाइन टू दी पावर टू सिक्सटीन टू दी पावर थ्री ये हो जाता है वन ट्वेंटी फाइव ये पता है ना फाइव क्यूब मतलब वन ट्वेंटी फाइव होता है मतलब ये देखो ये कोई गलत नहीं है कि ऐसा नहीं करना है ऐसा हम नहीं बोल रहे कैलकुलेटर हम ये नहीं बोल रहे कि इसको मत करो ये देखो फाइव वन ट्वेंटी फाइव ठीक है अब इसमें प्रॉब्लम देखो ये हो गया नीचे नाइन टू दी पावर थ्री फोर टू दी पावर क्यूब कितना होता है दो फोर का मल्टीप्लाई में सिक्सटीन सिक्सटी फोर होता है सिक्सटी टू फोर टू दावर टू मतलब हम क्या कर रहे हैं ये थ्री थ्री टू दी पावर थ्री सॉरी uh, ये थ्री टू दी पावर थ्री तो ट्वेंटी सेवन होता है मैंने नाइन लिख दिया थ्री टू दी पावर थ्री ट्वेंटी सेवन होता है थ्री टू दी पावर थ्री मतलब क्या तीन बार थ्री को मल्टीप्लाई करना है ठीक है और ये दो बार फोर को मल्टीप्लाई करना है ये तीन बार फाइव को मल्टीप्लाई करना है फिर ऊपर से ये पावर रह जाएंगे अच्छा अब ये फोर क्यूब का मतलब सिक्सटी फोर हो गया टू दी पावर टू और फाइव स्क्वायर मतलब ट्वेंटी फाइव टू दी पावर क्यूब ठीक है अब प्रॉब्लम क्या है ना क्या करना पड़ेगा पता है अब फिर से तुम को पर इ, इ, इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा लाइक like फिर यहाँ पर निकालोगे 729, तो इतना झमेला लेना नहीं है हम लोग को ठीक है इसके लिए देखो पता चला कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग को ये फॉर्मूला याद रखना काफी आसान भी है पावर जब मल्टीपल पावर होंगे तो वो मल्टीप्लाई होंगे मेरा लैंग्वेज याद रखो आराम से याद रह जाएगा ठीक है चलो तो हम लोग को ऐसे स्मार्ट वर्क करना है ठीक है वैसे नहीं करना है वैसे करने पे टाइम लगेगा हाँ अगर एकदम ही एग्जाम टाइम में याद नहीं आ रहा है टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो फिर करो कैलकुलेटर का यूज करके अच्छा कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो ठीक है अगर नहीं समझ आया तो फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कर सकते अच्छा इलेवन का अच्छा मैंने इलेवन का ऑप्शन तो लिखा ही नहीं इलेवन का आंसर फिर ऑप्शन डी हो जाएगा ठीक है इलेवन का आंसर ऑप्शन डी होगा ट्वेल्थ नंबर देखो इसमें क्या बोला है विच इज ट्रू कौन सा सच है ठीक है तो मुझे बताओ कि पहला पहला हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं ठीक है विच इज ट्रू ऑप्शन ए ऑप्शन ए बोल रहा है टू टू दावर जीरो ग्रेटर देन हाफ टू दी पावर जीरो मुझे एक बार बताओ कि टू टू दी पावर जीरो का मतलब कितना होगा मुझे ये बताओ टू दी पावर जीरो हाफ टू दी दावर जीरो दुनिया में कोई भी नंबर हो इसीलिए देखो ना मैंने लैंग्वेज क्या यूज किया ताकि तुम लोग को दिमाग में चला जाए मैंने ए बी सी डी कुछ नहीं लिखा कि ए का वैल्यू कुछ भी हो मैंने लिखा समथिंग टू पावर जीरो कुछ भी ठीक है कुछ भी टू पावर जीरो में वन होता है अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ ये साइन पता है तुम लोग को ये साइन क्या होता है ग्रेटर देन ठीक है मतलब ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है तो वन ग्रेटर देन वन क्या ये कोई सच बात है कि एक एक से ज्यादा है क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि वन इज ग्रेटर देन वन ये ट्रू के फॉल्स मतलब ऐसा कोई कमेंट हो सकता है कि जैसे एट इज ग्रेटर देन एट ये ये बोल सकते हैं ना एट इज ग्रेटर देन सेवन सिक्स फाइव फोर बट एट इज ग्रेटर देन ऐसा तो नहीं होता है तो वन इज ग्रेटर देन क्या ये कोई सच मतलब ये कोई कमेंट हुआ क्या मतलब ये कोई स्टेटमेंट बना या नहीं बना हमें पूछा है कॉन्सेप्ट ट्रू है तो ये तो कोई स्टेटमेंट नहीं बना ना वन इज ग्रेटर देन वन ये कोई स्टेटमेंट नहीं होता है ठीक है फिर बोला है टू टू दावर जीरो लेस देन हाफ टू दावर जीरो थीके? तो टू टू दी पावर जीरो कितना होगा फिर से वही टू टू दी पावर जीरो वन हो जाएगा लेस देन वन हो जाएगा तो ये भी तो स्टेटमेंट कुछ नहीं बना ना क्योंकि वन वन से कम है ऐसा कोई बात नहीं होता कि वन वन से कम है ऐसा कोई लैंग्वेज हो ही नहीं सकता है. सी में देखो फिर क्या बोल रहा है टू टू दी पावर जीरो इक्वल टू हाफ टू दी पावर जीरो ठीक है ये हम तुम लोगों से अभी और नहीं पूछ रहे क्योंकि देखो सेम डेटा पे है ना इसीलिए हम और नहीं पूछ रहे ठीक है आगे फिर से पूछेंगे टू टू दी पावर जीरो हाफ टू दी पावर जीरो सेम चीज है टू टू दी पावर जीरो वन इक्वल टू वन क्या ये स्टेटमेंट बन सकता है वन इक्वल टू वन बताओ क्या ऐसा yes, स्टेटमेंट हो सकता हो सकता है ना वन इक्वल टू वन ये कोई गलत बात थोड़ी है वन इक्वल टू वन 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 से बराबर है हाँ हो सकता है लेकिन वन वन से कम या ज्यादा ऐसा नहीं होता है तो फिर उसके बाद बोला है नन ऑफ दिस इसका मतलब हम लोग का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है कोई भी वैल्यू अपने साथ इक्वल जरूर हो सकता है बट कोई भी वैल्यू अपने से ज्यादा या कम नहीं हो सकता है हम लोग ये जरूर बोल सकते हैं कि वन इक्वल टू वन टू इक्वल टू टू ये ठीक है ये बोल सकते हैं लेकिन हम लोग ये नहीं बोल सकते वन ग्रेटर देन वन ये पॉसिबल नहीं होता है. अच्छा अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखो इसमें क्या बोल रहे इफ एक्स टू दी पावर वन बाई पी एक्स टू दी पावर वन पी इक्वल वाई टू दी पावर वन बाई क्यू इक्वल जेड टू दी पावर वन बाई आर एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू वन देन पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू कितना होगा ये पूछ रहा है ठीक है तो ये थोड़ा सा अलग है तो हम पहले करके बताते हैं देखो हम लोग कैसे कर सकते हैं जब हम लोगों ने मतलब ऐसा क्वेश्चन जिन लोगों ने प्रोपोर्शन किया है ठीक है तो प्रोपोर्शन के क्लास में भी हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन किया है और सेम चीज यहाँ पर भी आ रहा है तो ये क्या बता रहा है बोल रहा है कि देखो इसका वैल्यू जो भी आएगा और इसका वैल्यू जो भी आएगा और इसका वैल्यू जो भी आएगा है। अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट होता है इसका अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट होता है इसका अगर कोई वैल्यू फाइंड आउट होता है वो इक्वल है तभी तो ये सब इक्वल लिखा हुआ है और हमें एक वैल्यू दिया है कि एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करने पे वन आता है ठीक है एक्स वाई जेड लेकिन हम लोग के पास ना एक्स वाई जेड नहीं है हम लोग के पास एक्स टू दी पावर वन है अब हमें बोल रहा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर अगर करते हैं तो वो कितना होगा मतलब हमें कोशिश करना है किसी भी तरह से हमें पी क्यू और आर मिल जाए ठीक है तो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन का स्टार्टिंग कैसे होगा वो तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ठीक है तो मतलब याद रखने का मतलब है समझ के याद रखेंगे अब हम लोग मान लेते हैं कि ये सभी का वैल्यू के है ठीक है मान सकते के का मतलब क्या होता है कांस्टेंट होता है ठीक है मैथ में कांस्टेंट चीजों को के से डिनोट किया जाता है ठीक है तो जैसे इसका वैल्यू अगर टू है तो इसका भी टू है इसका भी 2. बट हमें पता तो नहीं है ना कि वन है टू है थ्री है या फाइव पॉइंट फोर है क्या है नहीं पता तो हम लोग मान लेते हैं कि के है जब किसी चीज का वैल्यू नहीं पता होता है तो हम लोग मानते हैं ना एक्स वाइज एट तो वैसे ही हम लोग कॉन्स्टेंट वैल्यू को के से मानते हैं एक्स वगैरह वेरिएबल के लिए यूज होता है ये मैथ्स का रूल्स है ठीक है तो हम लोग ये मानते हैं कि x टू दी पावर 1 बाई p का वैल्यू, y टू दी पावर 1 बाई q का वैल्यू, और z टू दी पावर 1 बाई r तीनों वैल्यू जो है वो k है, मतलब तीनों का वैल्यू k आ रहा है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि x टू दी पावर 1 बाई p भी k प्रोड्यूस करेगा, y टू दी पावर 1 बाई q भी k प्रोड्यूस करेगा z टू दी पावर वन बाई आर भी k प्रोड्यूस करेगा ठीक है ये हम लोग बोल सकते हैं अब इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके लिए हम एक फॉर्मूला लिखवाएंगे ठीक है आसान है फॉर्मूला एक फॉर्मूला वाले पेज में लिखवा देते हैं ताकि एक जगह पे रहेगा जैसे मैंने बोला था तुम लोगों को तो तुम लोग अपना पेज देखो वहां पर जहां लिखे हो ये एट्थ नंबर लास्ट था अभी हम लोग नाइन्थ नंबर लिखेंगे ए टू दी पावर वन बाई पी को तो हम लोग ऐसे 1/p हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अह इसको अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मतलब इसको कैसे दिखाएं ये अगर q है देन फॉर a equal to q टू दी पावर p हो जाएगा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ अगर कोई पावर कोई पावर अगर फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन है ना ये मतलब समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग है फ्रैक्शन में है इंटीजर में नहीं है जैसे देखो ये इंटीजर वैल्यू ये फ्रैक्शन नहीं है अगर पावर फ्रैक्शन में है और उसे हम लोग इंटीजर में ट्रांसफर करना चाहते इक्वल साइड के इधर और उधर है तो हम लोग क्या करेंगे अगर ए का पावर क्यू में ए टू दावर वन बाई पी इक्वल टू क्यू ये मैंने लिखा ठीक है तो एक्वल टू क्या करेंगे पावर भी ट्रांसफर होता है जैसे हम लोग अगर लिखते हैं टू इंटू थ्री इक्वल टू वन लोग लिख लिया x तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ने? या फिर टू इंटू वाई इक्वल टू एक्स तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टू इक्वल टू एक्स बाई वाई तो कैसे हुआ क्योंकि y इधर मल्टीप्लाई था तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा या फिर टू प्लस एक्स इक्वल टू अगर फाइव है तो हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं फाइव माइनस टू ये इधर प्लस था तो इधर माइनस हुआ सिमिलरली यहाँ पर भी वही अगर इधर ये वन बाई पी था तो इधर आएगा तो पी हो जाएगा ठीक है मतलब पावर जो है इन पावर जो है वो चेंज हो जाएगा ठीक है पावर का न्यूमरेटर और denominator में changes आ जाएगा ठीक है का one by P था P by one हो गया अब पी वाई वन तो लिखने का जरूरत नहीं होता है तो बेसिकली वो पी हो गया वन बाई पी पी वाई वन हो जाएगा ठीक है अब यही चीज तुम लोग को यहाँ पर अप्लाई करके मुझे बताना है ये यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए ठीक है यहाँ पर जो मैंने लिखा अगर मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है जो कि जरूरी है ठीक है x y z का वैल्यू दिया हुआ है जहां से शायद हम पी क्यू वन निकाल ले तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे k टू दी पावर क्या लिख सकते हैं बताओ कॉपी में लिखा होगा ना फॉर्मूला पी करेक्ट y टू दी पावर क्या लिखेंगे सॉरी y इक्वल टू क्या लिखेंगे k टू दी पावर P. q हुँ. और z हाँ और z इक्वल टू क्या लिखेंगे के टू दी पावर और आर ठीक है अब हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि एक्स वाई जेड वन होता है ठीक है तो हम लोग उस रिलेशन का यूज करते हैं क्योंकि देखो हमारे पास तो पी क्यू आर डायरेक्ट निकालने का कोई ऑप्शन है नहीं ठीक है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि एक्स वाई जेड इक्वल टू वन ये हमें क्या है गिवन है ठीक है अब x का वैल्यू हमें पता है x का x का वैल्यू क्या है के टू दी पावर पी तो हम लोग x के जगह क्या लिखेंगे के टू पावर पी अब ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगाओ वाई के जगह क्या लिखेंगे पावर आर और ये वन है मैंने वन ही लिखा है ठीक है अब अगर बेस बराबर है और मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाता है क्या लिखना चाहिए मुझे इसको बोलो और ऐड हो जाएगा एड हो जाएगा के टू दी पावर एड हो जाएगा ये वाला फॉर्मूला ए टू दी पावर इन टूटर एम प्लस यहाँ पर पी हो क्यू हो तो ये रैंडमली बढ़ता जाएगा एम प्लस एन प्लस क्यू जितना होगा तीन चार पांच छह जितना भी होगा उतने सारे पावर एड हो जाएंगे लेकिन कल, बस कंडीशन एक है कि बेस बराबर होना चाहिए ठीक है बेस सबका इक्वल होना चाहिए तो पी प्लस क्यू प्लस आर ठीक है ये वन हो गया अब यहां पर मैंने लिख दिया फिर से p प्लस क्यू प्लस आर हम लोग को एक रिलेशन पता है कि समथिंग टू दी पावर जीरो वन होता है है ना समथिंग टू दी पावर जीरो वन होता है उस कंसेप्ट को यहाँ पर हमें यूज करना है तो मुझे बोलो मुझे यहाँ पर कितने टू दी पावर जीरो लिखना चाहिए ताकि मेरा आंसर आ सके थोड़ा सा सोच के मुझे बताना कि मुझे यहाँ पर समथिंग टू दी पावर जीरो लिखना है वन के जगह ठीक है मुझे वन को रिप्रेजेंट करना है समथिंग टू दी पावर जीरो के बेसिस पे तो मुझे कितना लिखना चाहिए जो लिखने से मुझे कुछ बेनिफिट हो सकता है दोनों साइड इक्वलाइज़ करके मुझे कितना लिखना चाहिए क्या कुछ भी थोड़ा सा भी हिम्स आ रहा है दिमाग में कि मुझे क्या लिखना चाहिए हम यहाँ पर क्या लिखे ए बी सी डी मतलब इस तरह का कुछ होगा मुझे बताओ हम यहाँ पर क्या लिखे ऐसा के होगा। इत... हाँ बोलो के. के, होगा। के करेक्ट के लिखना चाहिए ठीक है अगर यहाँ पर हम लोग के लिखेंगे इससे बेनिफिट क्या हुआ ये यहाँ भी के है यहाँ भी के है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट दिन किया था तो इसका मतलब हम लोगों का अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगे के के बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन हमारा क्या होगा पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो इधर वाला पावर इधर वाले पावर के साथ इक्वल होगा तो पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल जीरो अब ये क्वेश्चन ना वैसा सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है ठीक है कि तुम लोग अपना जस्ट लॉजिक लगाए जैसे यहाँ पर था ठीक है सीधा साधा क्वेश्चन यहाँ पर भी था एक नॉर्मल तुम लोग इसका आंसर निकालते जाओगे तो पता चल जाएगा अब ऐसे क्वेश्चन को ना थोड़ा याद रखना पड़ता है याद मतलब ये प्रैक्टिस के साथ हो जाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें क्या steps follow करने पड़ेंगे ठीक ठीक है है तो तो मैंने तो समझा के बोला थीके? अब ऐसा questions जब प्रैक्टिस करोगे ना दो तीन चार तो इसमें क्या होगा एक हैबिट हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन को देखते ही कि हमें ऐसा अप्रोच लेना चाहिए ठीक है कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होता है उसका एक अप्रोच होता है उस हिसाब से हमें चलना पड़ता है ठीक है अगर समझ में आया चीज तो याद भी हो जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए अब बिल्कुल लॉजिकल है देखो सारे वैल्यूज इक्वल है तो हमें इसका वैल्यू के लेना चाहिए क्योंकि हमें तो नहीं पता वैल्यू क्या है दो चार पांच छह सात ठीक है अब सबका इंडिविजुअली के, के साथ असाइन करवा दिया और एक फॉर्मूला सीखा हम लोगों ने जिससे हम लोगों ने एक्स वाई जेड निकाला अब इस रिलेशन में वैल्यूज को पुट किया तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था वो मिल गया पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू जीरो हम लोग देखते हैं थर्टीन का ऑप्शन हम लोग का क्या है डी अभी थोड़ा सा ये क्वेश्चन लगेगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऐसे करके करना चाहिए उसके लिए प्रैक्टिस ठीक है सारी चीज ऐसे नहीं होते है कि हम लोग सीख लिए और कर लिए कुछ चीजों के लिए तो हमें प्रैक्टिस का भी जरूरत होता है ना हेल्प का भी जरूरत होता है तो ये ये क्वेश्चन वैसा है कि तुम लोग जैसे इसको डायरेक्ट कर सकते हो ये दिमाग में ना आए तो क्या हुआ जो लेंदी प्रोसेस है वो तो आ जाएगा ना दिमाग में अगर ये इंस्टेंट ना आए लेकिन इस तरह के क्वेश्चन को ना किसी और तरीके से करना पॉसिबल नहीं है ठीक है तो हमें यहाँ पर इसी तरीके से करना चाहिए इसी से होगा अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्टीन नंबर ये आसान है ये तुम लोग आंसर देना ठीक है ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्स टू दी पावर नहीं बोल रहा है पावर ए माइनस बी इन टू वाई टू दावर बी माइनस सी इन टू वाई टू c सी माइनस ए इ टू वाई टू माइनस ए माइनस बी है ठीक है ए के आगे भी ना एक माइनस लगा हुआ है जो शायद तुम लोग को नहीं दिख रहा हो स्क्रीन पे क्योंकि बहुत ही छोटा सा है ठीक है लेकिन हम बता रहे हैं तुम लोग देखना मैट में है माइनस है ठीक है तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए सभी बेस इक्वल है और जो है मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करना पड़ेगा पावर क्या हो जाएगा पावर क्या हो जाएगा ठीक है और बेस में क्या लिखना पड़ेगा ये बोलते जाओगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा बेस में क्या लिखेंगे मतलब पावर तो ऐड हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी सब ऐड हो जाएगा और बेस क्या रहेगा बेस मतलब कितने टू दी पावर लिखेंगे करेक्ट y. 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 Y तो ए माइनस बी ठीक है अब देखो हम दो चीज कर सकते हैं हम ब्रैकेट नहीं लगाए लाइन बाय लाइन ऐड करके दिखा सकते हैं तुम लोग को लेकिन एक प्रॉब्लम हो सकता है देखो अभी प्लस है तो नहीं होगा यहाँ माइनस है ना तो इस चीज का तुम लोग को ध्यान रखना चाहिए मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं हम ऐसे कर सकते ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए फिर तुम लोग यहाँ प्लस लिख दोगे फिर लिख दोगे ए माइनस बी तो गलत हो जाएगा यहाँ माइनस ए माइनस बी है ना तो फिर क्या होता है ना वो प्रैक्टिस के साथ तुम लोग को सही करना पड़ेगा हम तो डायरेक्टली कर देंगे प्लस माइनस में माइनस होता है इसीलिए हम एक स्टेप एक्स्ट्रा कर रहे हैं ठीक है जिनसे होता है कोई बात नहीं जिनसे नहीं होता है उनसे भी होगा अगर थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करोगे ठीक है देखो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट देने से क्या होगा हमारे प्लस माइनस वाला कभी भी गलत नहीं होगा जब भी दो तीन डेटा रहता है ना तो प्लस माइनस लगाया करो अगर सिंगल सिंगल होता तो जरूरी नहीं था तो ए माइनस बी लिख दिया ब्रैकेट ब्रैकेट को ओपन कर दिया फिर प्लस है तो प्लस b माइनस सी ब्रैकेट ओपन हो गया फिर प्लस है c माइनस ए प्लस होता है तो कोई इतना झमेला नहीं फिर प्लस माइनस में माइनस होगा इस बात का ध्यान रखो और प्लस माइनस में माइनस होगा ठीक है मैंने ये इसीलिए बोला एक तो यहाँ अगर सपोज करो कि माइनस का फंक्शन होता तब तुम लोग को माइनस माइनस में प्लस करना पड़ता ना तो इससे क्या होता है ब्रैकेट लगा के क्या करो और अगर आदत है कि गलत नहीं होता है तो ठीक है नॉर्मल करो ये स्टेप को छोड़ दो ये वाला स्टेप करो ठीक है और जिन जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है वो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दो बंद तो जाएगा ना ये देखो अब यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा देखो प्लस बी माइनस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए माइनस ए बचा क्या माइनस ए माइनस बी अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस किस तरह के हैं तो यहाँ पर देखो ऑप्शन के साथ हमारा मैच नहीं हो रहा है ठीक है क्यों नहीं हो रहा है मैंने तुम लोग को पहले भी बोला था हम लोग जितना देर तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना करते जाएंगे ठीक है देखो जैसे यहाँ पर y है इसमें माइनस ले लो तो कितना हो जाएगा a प्लस बी ये पता है ना ये माइनस कॉमन ले लिया ब्रैकेट डाल दिया माइनस कॉमन लेने का मतलब है माइनस से डिवाइड करना तो माइनस ए और माइनस से मैंने डिवाइड कर दिया ठीक है और माइनस बी को मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया और बीच में क्या है माइनस है ठीक है तो ये माइनस माइनस कैंसिल होके क्या हो गया प्लस हो गया ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर अच्छा एक मिनट ये ये तो माइनस बी है ना मैंने माइनस बी ऑलरेडी लिख लिया है तो इसका मतलब ये देखो माइनस ए माइनस बी है तो यहाँ बीच में भी तो माइनस है तो अगर हम यहाँ माइनस लिख रहे हैं तो यहाँ मुझे प्लस लिखना पड़ेगा तो ये वन से एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये माइनस बी हो गया ए ये देखो ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया माइनस बी माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा ठीक है तुम लोग को कॉमन लेने का प्रोसेस पता है ना हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से माइनस को कॉमन ले रहे हैं माइनस को कॉमन लेने का मतलब सिंपल इतना होता है कि माइनस से डिवाइड करना तो ये देखो माइनस से माइनस बी को माइनस से डिवाइड अब माइनस डिजिट क्या है कुछ नहीं है मतलब वन है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं जैसे मान लो ऐसे टू प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर है तो तुम लोग क्या लिखते हो टू बाई फोर प्लस थ्री बाई फोर ठीक है और अगर यही वाला टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर होता समझो तो हम लोग क्या लिखते तो हम लोग लिखते टू बाई फोर क्योंकि टू के आगे प्लस है ठीक है फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं यहां अगर माइनस लिखते तो ये थ्री बाई फोर लिखते ना ये प्लस आ जाता तो सेम वही कंसेप्ट ये देखो माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस वन ये बीच का डेटा जब हम लोग यहाँ ले रहे हैं तो बी के आगे हमें क्या मानना पड़ेगा प्लस है माइनस माइनस कैंसिल ये ए हो गया और यहां पर कैंसिल आउट हो माइनस बी हो गया और यहां एक आगे से माइनस है तो ए प्लस plus... भी इसी वजह से होता है माइनस कॉमन लेने से इसी वजह से इस तरह से हमें यह दिखेगा ठीक है अच्छा अब ये करना क्यों जरूरी है बिकॉज ऑफ द आंसर आंसर ठीक है आंसर हम है हम लोग का जो ना इस पैटर्न में है अब देखो अगर हमारे पावर में कुछ माइनस रहता है रह, उसको हमें पॉजिटिव दिखाना है तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे फॉर्मूला क्या है देखो हम फॉर्मूला याद दिलाते ए टू दी पावर माइनस एम का मतलब वन बाई ए टू दी पावर एम तो इसको क्या लिखेंगे यहां पर ए का मतलब क्या हो गया वाई ठीक है और माइनस है और एम के जगह क्या हो गया ए प्लस बी मतलब यहाँ पर ए के जगह है वाई और एम के जगह है ए प्लस बी अब बताओ कैसे लिखेंगे इसको फिर बोलो कितना लिखेंगे वन बाई वन बाई ए टू दी पावर एम ना तो वाई के जगह क्या है ए के जगह वाई है ना तो क्या लिखेंगे बोलो वन बाई ए है तो वन बाई क्या लिखेंगे कंपेयर करके बताओ मैंने लिख तो y पावर टू दी पावर क्या लिखेंगे बोले ए A. प्लस कुछ माइनस माइनस नहीं होगा A plus B. अब ये लिखने से फायदा क्या हुआ आंसर दिख रहा है लेकिन उसके लिए तुम लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि कॉमन लिया कैसे जाता है कॉमन क्यों लिया क्योंकि दोनों में माइनस है तो हम लोग माइनस साइन को कॉमन ले रहे हैं देखो अगर वो डिवाइड वाला प्रोसेस तुम लोग को ट लगता है तो तुम लोग ऐसा कर सकते हो देखो अगर तुम लोग कॉमन लोगे तो तुम लोग दो चीज कर सकते हो या तो सही सही कॉमन ले लोगे ठीक है जिनको मतलब नॉलेज है कि कैसे कॉमन लिया जाता है लेकिन जिनको थोड़ा सा दिक्कत होता है कॉमन लेने में वो मैक्सिमम क्या करोगे अगर माइनस कॉमन लेने बोलेंगे तो ये कर सकते हो ठीक है अगर ये करते हो या फिर हो सकता है गलती से ऐसे करके रख रहे हो ठीक है एक चीज याद रखना हमेशा जो कॉमन लेते हो ना उससे ये मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो ये जैसे देखो माइनस है तो प्लस यहाँ पर है तो प्लस माइनस में माइनस ए प्लस माइनस में माइनस बी जो कि हमारा आंसर के साथ मैचअप होता है ठीक है और इस पे ट्राई करना या प्लस है प्लस माइनस में माइनस है माइनस माइनस में प्लस भी तो ओरिजिनली तो हमारा ये है नहीं तो ये गलत हुआ है ठीक है इस पे देखो माइनस माइनस में प्लस ए माइनस माइनस में प्लस बी तो फिर ये अप्रोच भी गलत है तो तुम लोग अगर गलत लिख भी लेते हो ठीक है अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो उससे ना बैक में कैलकुलेशन करके देखना की यही वापस आ रहा है कि नहीं मेरा अगर ये वापस नहीं आ रहा है तो गलत होगा और कैसे चेक करोगे जैसे देखो माइनस के साथ माइनस मल्टीप्लाई होने से हमेशा प्लस होता है ये मैंने क्या लिखा माइनस साइन दो माइनस स साइन आपस में मल्टीप्लाई होने पे प्लस बनते हैं एक माइनस और एक प्लस आपस में मल्टीप्लाई होने पे क्या बनता है माइनस बनता है एक प्लस और एक माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने से माइनस बनता है ठीक है और दो प्लस आपस में मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस बनता है ठीक है ये ना माइनस है प्लस बनता है जैसे कि देखो टू टू थ्री बचपन से ये तो करते हो सिक्स तो ये प्लस सिक्स लिखने का जरूरत नहीं होता है देखो दो प्लस था आपस में मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है लेकिन जब ऐसे करते हैं माइनस और माइनस तब भी हम लोग क्या लिखते हैं प्लस सिक्स ही लिखते हैं क्योंकि माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने से प्लस होता है ठीक है ये कुछ जो छोटे मोटे फंक्शंस हैं मतलब मेन तो यही है हम लोग का ठीक है मतलब बचपन का कुछ ये मैथ मैथमेटिक्स का कंसेप्ट अगर हमारे दिमाग में रहे ना तो ये कॉमन लेना जो है अगर दिक्कत होता है तो बैक कैलकुलेशन करके देखो कि जो कॉमन लिया वो सही आंसर प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं मतलब जिससे कॉमन लिया एक्चुअली इसका ट्रांसफॉर्मेशन है तो फिर इससे इसमें भी तो जा सकते हैं ना इसमें इससे इसमें पहुंच पा रहे कि नहीं देखो अगर गलत आ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ किए हो कॉमन लेने में ठीक है बाकी कॉमन लेने का प्रोसेस तो वो है अच्छा चलो ये हम लोग का बन गया ऑप्शन आई थिंक डी आया चेक कर लेते एक बार हाँ ऑप्शन डी आ गया हम लोग का फोर्टींथ नंबर का ऑप्शन के अच्छा अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन ठीक है 15, ये भी आसान है बस तुम लोग को थोड़ा सा सोच के बताना है कि कौन सा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इसमें भी ना हमें बताना है ट्रू ऑप्शन कौन सा है तो हम पहले ऑप्शन ए लिखते हैं एक्स टू पावर टू थर्ड एक्स टू पावर टू थर्ड इक्वल दे रखा है थ्री एथ रूट ऑफ थ्री एथ रूट ऑफ ऐसे करके लिखा हुआ है ठीक है थ्री एथ रूट ऑफ एक्स टू दी पावर टू ठीक है आप अगर सोच रहे हो कि ये थ्री कहाँ है देखो थ्री का जो मतलब जो मतलब डिजिट लिखा हुआ है ना वो छोटा डिजिट लिखा हुआ है मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है नहीं अगर ये थ्री x एक्स टू तो दावर टू होता ना तो ये थ्री का जो साइज है वो एक्स के तरह ही होता लेकिन वो छोटा लिखा हुआ है मतलब वो क्यूबिक रूट है मतलब एक्चुअली ये इसके अंदर जा रहा है मतलब हम ये क्यों बोल रहे हैं तुम लोग को जब एग्जाम में या कहीं पर भी क्वेश्चन आएगा तो फिर ये देख के ना कंफ्यूजन होता है देखो हम दिखाते हैं ये देखो ये देख के ना कंफ्यूजन होता है कि ये थ्री है कहाँ पर मतलब ये इसके अंदर है या फिर ये इन टू में है लेकिन जब ये देखो इसका जो मतलब डिजिट जो दिख रहा है ना वो कैसे पावर वाले डिजिट के साथ मिल रहा है मतलब छोटे से है मतलब तो इसीलिए ये वाला एक्चुअली हम लोग का यहाँ पर है ठीक है तो ये क्वेश्चन का प्रिंट कैसे रहता है वो मैंने बता दिया ऐसे करके समझना है अब ये ट्रू है कि नहीं मतलब ये वैल्यू ये वैल्यू बराबर है कि नहीं तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये तो सिंप्लीफाइड ही है हमें इसे सिंप्लीफाइड करना चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री इक्वल टू ये x टू दी पावर टू है अब ये क्यूबिक रूट है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे जैसे अगर ये m है और यहाँ पर a टू दी पावर n है तो हम लोग क्या लिखते हैं जैसा है वैसा रह जाएगा और ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया शायद m n के जगह कुछ और लिखा होगा वो हम लिखते लिखते अलग अलग लिख देते हैं लेकिन उससे हमारा मेन फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता है ना तो मुझे ये बताओ कि ये थ्री को हम कैसे पावर में ट्रांसफर करें मुझे इस क्यूबिक थ्री को क्या लिखना चाहिए एक्स टू दी पावर टू जैसा है है ये अगर रूट हट जाता है अंडर रूट तो एक्स टू पावर टू है मुझे अगर रूट हटाना है उसके साथ साथ एमित रूट को हटाना है क्यूबिक रूट को हटाना है ये कैसा रूट है क्यूबिक रूट क्यूबिक रूट को हटाना है तो मुझे कितना लिखना पड़ेगा करेक्ट थ्री है ना ये देखो m क्या हो गया वन बाई एम बाकी तो जैसा था वैसा ही है तो एक्स टू दी पावर टू जैसा था वैसा ही है मैंने क्या लिख दिया वन बाई थ्री अच्छा अब इसके बाद भी सिंप्लीफाई होगा एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री का तो कुछ होना नहीं है वो तो सिंप्लीफाइड ही है अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते बताओ कितना लिखे एक्स टू दावर टू बाई थ्री करेक्ट एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री क्यों क्योंकि ये टू और वन बाई थ्री का मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा टू के नीचे कुछ नहीं है मतलब ठीक है अच्छा क्या यही वाला आंसर होगा बताओ इक्वल तो हो गया क्या यही वाला आंसर होना चाहिए फिर तो यही वाला आंसर होना चाहिए है ना सही तो आ रहा है फिफ्टीन का ए हमारा जो है ट्रू दिख रहा है क्यों ट्रू है क्योंकि दोनों बराबर है ठीक है बाकी केसेस में दोनों बराबर नहीं होंगे दिखा देते हैं हम क्यों तो ये हम लोग का 15 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए ठीक है फिफ्टीन का ऑप्शन ए ही हम लोग का आंसर होगा ठीक है क्या बी पे चेक करके दिखाएं देख लो बी पे चेक करके एक्स टू दावर टू थर्ड बी पे भी दिखा देते हैं देखो फिर आ, यहाँ पर रूट ऑफ एक्स टू दावर थ्री कितना रूट है नहीं बताया जैसे ये क्यूबिक रूट है जब ये नहीं बताया जाता है कितना रूट है तो एज्यूम्ड है कि वो सेकेंड रूट है मतलब स्क्वेर रूट है ठीक है ये ऐसे रहेगा अच्छा इसको क्या लिखेंगे एक्स क्यूब जैसा है वैसा अगर मुझे रूट को हटाना है तो मुझे टू दी पावर कितना लिखना चाहिए ये कौन सा रूट है जिस रूट में कुछ लिखा हुआ नहीं है एज्यूम्ड है कि वो हमेशा स्क्वेर रूट ही है मतलब टू है यहाँ पर तो बोलो कितना लिखना चाहिए ये मैंने बार बार बोला है अभी भी बोल रहे ताकि तुम लोग को याद रह जाए ठीक है जैसे यहाँ थ्री लिखा हुआ है तो ये क्यूबिक रूट है ठीक है यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो एज्यूम्ड की टू है आज भी मैंने स्टार्टिंग में बोला तुम लोगों को ठीक है तो अब बोलो इसको क्या लिखो क्या लिखना चाहिए पावर टू बाई थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हाँ थ्री बाई टू लेकिन क्या ये बराबर हो सकते हैं पावर टू बाई थ्री एक्स टू दी पावर थ्री बाई टू क्या दोनों बात एक है yeah. नहीं ना थ्री बाई टू और टू बाई थ्री कैसे एक होंगे एक बात तो नहीं है टू बाई थ्री का मतलब कितना होता है देखो ना अपने कैलकुलेटर पे देखो टू बाई थ्री का मतलब कुछ इतना होता है ठीक है और थ्री बाई टू का मतलब होता है वन पॉइंट फाइव ठीक है तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते मतलब ये तो ट्रू नहीं हुआ तो इसीलिए बी ऑप्शन नहीं होगा अच्छा सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा सी ऑप्शन में देखो ये ए ऑप्शन और सी ऑप्शन सेम है ठीक है लेकिन ये दोनों इक्वल है ये बात सही है लेकिन ये ग्रेटर देन दे दिया है तो ये सी ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा देखो ना ए ऑप्शन जो है सी ऑप्शन भी वही है इसमें ग्रेटर देन दे दिया तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा पता है हम लोग का ये आ जाएगा कि एक्स टू दी पावर 2 बाई थ्री ग्रेटर देन एक्स टू दी पावर टू बाई थ्री फिर ये वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है इसीलिए सी ऑप्शन भी गलत है पहले वाले ऑप्शन से आंसर आ गया लेकिन हम तुम लोग के तसल्ली के लिए बाकी भी बता रहे क्यों नहीं हो रहा है तो सी ऑप्शन ए के तरह ही है लेकिन ए जो भी हमारे यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यूज है वो दोनों इक्वल है तो ग्रेटर तो नहीं हो सकते ठीक है इसीलिए सी ऑप्शन हमारा नहीं होगा डी क्यों नहीं होगा डी भी वही है जो ए है यहाँ पर लेस देन दिया है तो कैसे होगा क्योंकि हम लोगों ने तो पहले ही चेक कर लिया कि ये दोनों सॉल्व करने पे एक ही चीज आ रहा है ठीक है तो ये इक्वल हो रहा है ये सही बात है ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा क्योंकि इसी का ग्रेटर देन और लेस देन वाला बात है तो नहीं होगा इसका तो हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा ये इक्वल नहीं बन रहा है तो ट्रू ऑप्शन पहला वाला ही हो रहा है पहले वाले से ही आंसर आ गया था लेकिन तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे इसीलिए मैंने बता दिया ठीक है तो इसीलिए बी वाला क्यों नहीं होगा वो कैलकुलेट करके बता दिया सी डी का तो जरूरत है नहीं क्योंकि सी डी का सेम कैलकुलेशन होगा ए के तरह और वो इक्वल के जगह हमें ग्रेटर देन और लेस देन दिया हुआ है जो कि हमारे साथ हमारे आंसर के साथ नहीं होगा वो फॉल्स हो जाएगा इसीलिए ट्रू ऑप्शन हम लोग का फिफ्टीन का ए ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सिक्सटीन द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ये इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू निकालने के लिए बोला है ठीक है हम लिखते हैं तुम लोग बताना कैसे करके होगा सिक्सटीन एक्स टू पावर माइनस थ्री वाई टू दावर टू इन टू एट टू पावर माइनस वन एक्स टू पावर थ्री वाई टू पावर माइनस टू ये कितना होगा पूछा जा रहा है ठीक है तो देखो कैसे लिखना चाहिए पहले लिखेंगे सिक्सटीन ये मल्टीप्लीकेशन है मल्टीप्लीकेशन एक्स टू दी पावर माइनस थ्री को हम लोग पॉजिटिव में ट्रांसफर कर लेंगे माइनस पावर से बेटर है कि हम लोग पॉजिटिव कर सकते हैं या फिर दूसरा भी ऑप्शन है हमारे पास क्या ऑप्शन है ये देखो ये सब तो मल्टीप्लीकेशन है ना अगर लाइन बाय लाइन देखे तो ये सारे मल्टीप्लीकेशन है तो अगर एक्स का बेस यहाँ पर भी है यहाँ पर भी एक्स है ठीक है और मल्टीप्लीकेशन है क्योंकि ये सब तो मल्टीप्लीकेशन है भले कुछ नहीं लिखा हुआ मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन होने से पावर एड हो जाता है वैसे भी कर सकते हैं ठीक है दोनों में से कोई एक ऑप्शन तो देखो हम दोनों तरीके से दिखा रहे हैं। अगर हम लोग पावर का एडिशन करते हैं तो माइनस थ्री प्लस थ्री हो गया ठीक है वाई का देखो वाई का हो जाएगा टू और ये प्लस माइनस टू ठीक है ये पावर का एडिशन हो गया वाई और यहाँ पर बचा एट टू दावर माइनस वन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सिक्सटीन इन टू एक्स टू दावर जीरो इंटू वाई टू पावर भी जीरो क्योंकि प्लस टू माइनस टू में जीरो माइनस वन मतलब ए टू दी पावर माइनस ए तो वन बाई ए टू दावर ए यहाँ पर ए के जगह कितना है एट है ए के जगह एट है एम के जगह वन है तो क्या हो जाएगा ए वन बाई ए होता है तो एट वन बाई एट हो जाएगा है, ये option, मतलब ऐसा नहीं कि ये पहले करना है मैंने पहले ये वाला बता दिया सेकेंड और एक तरीका है ठीक है तो सेकेंड हम लोग क्या कर सकते सिक्सटीन है एक्स टू दावर माइनस थ्री को हम लोग पॉजिटिव में ट्रांसफर करेंगे मतलब ये वाला जो है फॉर्मूला लगाएंगे तो ए टू दी पावर माइनस एम अगर वन बाई ए टू दी पावर एम होता है तो एक्स टू पावर माइनस वन बाई थ्री कितना होगा वन बाई एक्स टू पावर थ्री क्योंकि x आ, a अगर वन बाई ए होगा तो x भी वन बाई एक्स होगा माइनस थ्री यहाँ पर थ्री हो गया फिर वाई स्क्र जैसा है फिर मल्टीप्लीकेशन करो एट का भी वैसे ही कर लेते हैं डायरेक्टली वन बाई एट टू दी पावर वन ठीक है अब वन लिखने का जरूरत नहीं होता है फिर भी तुम लोगों के समझने के लिए मैंने लिख दिया सेम इसी के साथ कंपेयर करके एक और y टू दावर माइनस टू क्या हो जाएगा वन बाई वाई टू दी पावर टू सेम कंसेप्ट में a के जगह y है ठीक है तो a वन बाई ए होता है तो y वन बाई वाई हो जाएगा माइनस टू टू हो जाएगा ठीक है अब देखो वाई स्क्वेयर वाई स्क्र एक्स क्यूब एक्स ठीक है दोनों में दोनों तरीका ही ठीक ठीक है है दोनों में ही कम टाइम लग रहा है तुम लोग को जो बेटर लगे तुम लोग उसको चूज कर सकते हो ठीक है कोई भी तरीके से करो दोनों में ही टाइम जो है ठीक ठाक ही लग रहा है ठीक है ऐसा नहीं हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लेकिन हाँ ये थोड़ा सा सेकेंड ऑप्शन जो है थोड़ा सा टाइम बचा लेगा ठीक है इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन दोनों ऑप्शन ठीक है कुछ टफ मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल या बहुत ज्यादा आसान हम ऐसा नहीं बोलेंगे ठीक है, है तो हम लोग का आंसर आ रहा है सी सिक्सटीन का सी करने का तरीका दोनों में ही आसान है ठीक है लेकिन ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा टाइम लेगा सेकेंड वाले पे अगर शिफ्ट हो जाओगे तो वो कम टाइम लेगा लेकिन क्या है ना वो क्या होता है एग्जाम टाइम में ना तुम लोग का दिमाग कैसे काम करेगा वो डिपेंड करता है ठीक है वो डिपेंड करता है कि तुम लोग अभी कितने स्मार्टली प्रैक्टिस कर रहे हो ठीक है तो इसके लिए क्या है ना तुम लोग जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे शॉर्टकट लेने का कोशिश करोगे उसका हैबिट करोगे एग्जाम में शॉर्टकट ही याद आएगा अच्छा सेवेंटीन वाला देखते हैं अच्छा यहां पर ये वाला तुम लोग बताना एट बाई ट्वेंटी सेवन होल्ड टू दावर माइनस वन बाई थ्री उसके बाद है थर्टी टू डिवाइडेड बाई टू फोर्टी थ्री होल्ड टू पावर माइनस वन बाई फाइव ठीक है हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करके देना है ठीक है तो तुम लोग क्या करोगे सबसे पहले तुम लोग ये बताओ कि हम लोग ये अंदर का जो डेटा है ना इसे सिंप्लीफाई करेंगे ठीक अच्छा है, तो है, है ये अच्छा ऑप्शन होता इसको भी चेंज कर सकते लेकिन उसमें क्या होगा तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हम लोग ये वाला भी सीखेंगे लेकिन ये क्वेश्चन जो है इसको बिना सीखे हम लोग कर सकते उस तरीके से मतलब हम ये कहना चाह रहे एट बाई ट्वेंटी 7 के पावर को पॉजिटिव नहीं करके हम लोग दूसरा अप्रोच से कर सकते हैं जैसे हम बता रहे हैं 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3 ठीक है वैसे 27 को क्या लिख सकते हैं हम बता रहे तुम लोगों को कैसे हमें करना है एक के बाद एक तो तुम लोग मुझे बताओ कि 27 को हम लोग कितना लिख सकते हैं इतना समझ लो कि यहां 3 है तो 3 से ही होगा नॉर्मल ठीक है तो तभी जाके कैंसिल आउट होगा ऐसा मैंने लास्ट दिन भी बताया था कि कोशिश करना कि यहाँ पर जो है उसी के पावर पे कुछ एक होगा जैसे एट को हम लोग क्या कर सकते टू इंटू टू इंटू टू यानी टू टू दी पावर थ्री ट्वेंटी सेवन को कितने के पावर कितने के में थ्री uh, लिखेंगे तो ट्वेंटी सेवन होगा बताओ थ्री क्यू थ्री क्यू ठीक है अच्छा होल टू दावर माइनस वन बाई थ्री अच्छा अब ये थर्टी टू यहाँ फाइव है तो पहले टू से चेक करो कि क्या टू टू दी पावर फाइव थर्टी टू होता है देखो चेक करके देखो टू टू दी पावर क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो टू ही है वन का तो कुछ होने जाना है नहीं वन तो जितना बार भी मल्टीप्लाई करो चाहे हजार करोड़ों बार कर लो वन ही आता है है ना तो नेक्स्ट टू का चेक करो क्या टू का पावर में थर्टी टू आएगा मतलब टू को कुछ एक पावर से मतलब कितने बार मल्टीप्लाई करने से थर्टी टू आएगा वही उसका पावर हो जाएगा चेक करो पांच बार करेक्ट पांच बार अब 243 के लिए क्या लोगे मतलब उसका भी ना फाइव टाइम्स ही होगा तो टू से तो नहीं होगा क्योंकि टू को पांच बार मल्टीप्लाई करने से 32 आता है तो तुम लोग नेक्स्ट नंबर देखो थ्री को पांच बार मल्टीप्लाई करके देखो आता है कि नहीं जैसे ये देखो थ्री दो बार तीन बार चार बार हाँ बोलो आ रहा है, है ना थ्री टू दी पावर फाइव आ रहा है ठीक है माइनस वन बाई फाइव तो हम लोगों ने क्या किया एट को ऐसे लिख दिया ट्वेंटी सेवन को ऐसे लिख दिया थर्टी टू को ऐसे लिखा टू फोर्टी थ्री को ऐसे लिख दिया बाकी जो भी जैसे था वैसे ही लिख दिया जहां पर जो वैल्यूज थे वैसे ही पुट कर दिया। अब हम लोग इसको सेकेंड स्टेप में क्या लिखेंगे अगर पावर हमारे पास ऐसे हम लोगों ने जो है दो, दो जगह पे स्प्लिट किया हुआ है क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं टू बाई थ्री होल्ड टू दावर थ्री ये लिख सकते हैं क्योंकि देखो ऐसा लिख सकते हैं दिखाते हैं हम लोगों ने लास्ट दिन वाले पेज पे जाते हैं तो तुम लोग को दिखेगा हम लोगों ने इसका यूज भी किया था और उसके बाद मैंने इस फॉर्मूले को लिखवाया भी था ये देखो ये वाला चीज ठीक है हम इसको जूम करके दिखाते हैं यहाँ पर ठीक है अगर पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसा है तो ऐसे कर सकते ठीक है देखो हम लोग इधर से इधर ट्रांसफर हो या इधर से इधर ट्रांसफर वो एक वो तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ठीक है हम लोगों ने ऐसे ट्रांसफर किया अभी हमारे पास जो क्वेश्चन आया था उसको हम लोगों ने ऐसे बनाया उसके बाद हम लोग ऐसे बना रहे हैं ठीक है तो वही चीज हम बोल रहे हैं सेम चीज हमारे मल्टीप्लीकेशन के लिए भी अप्लाई होता है तो इसका मतलब याद करवा कर दिया मैंने एक बार कि कितने नंबर फॉर्मूले पे मैंने लिखा था तो हम लोगों ने इसका यूज किया है ठीक है लास्ट दिन मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखवाए उसका यूज होने के बाद ही लिखवाया था ठीक है तो ये हो गया अब इस पे ये ये ब्रैकेट हम अपने मन से दे रहे हैं क्योंकि दोबारा देना पड़ रहा है ना तुम लोग ऐसा नहीं दे के ऐसे भी दे सकते हो जरूरी नहीं कि ये ही वाला देना है ठीक है तो यहाँ पर हो गया माइनस वन बाई थ्री जैसे था वैसे लिख दिया अच्छा अब ये इसको क्या लिखें टू बाई थ्री इसको कितना लिखे बोलो सेम इसी तरीके से बताओ कितना लिखना चाहिए होल होल टू टू करेक्ट और इसमें जो है है ये मैंने लिख दिया ठीक अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट uh, ऑप्शन क्या है पावर्स अपने आप में मल्टीप्लाई होते हैं मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये कितना लिखे बताओ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा थ्री और माइनस वन बाई थ्री तो कितना होगा मल्टीप्लीकेशन दिखाते बचेगा जीरो मत सोच लो माइनस वन ठीक है तो ऐसे लिख के करो तो समझ में आएगा कि क्यों माइनस वन हो रहा है इसलिए हम साइड साइड में लिख के भी दिखा रहे हैं ठीक है तो तुम लोग एक बार साइड में लिख लो रफली की समझ में आ जाए कि कैसे करके माइनस वन होता है नेक्स्ट इसका फिर कितना होगा टू बाई थ्री का सेम यहां पर एक ही प्रोसेस में है बताओ कितना होगा माइनस वन माइनस वन यहां भी सेम माइनस वन होगा फाइव फाइव कैंसिल अच्छा अब नेक्स्ट क्या करें बेस देखो बराबर है तो मल्टीप्लीकेशन है तो पावर क्या हो जाएगा एड हो जाएगा है ना बेस बराबर है पावर एड हो जाएगा तो माइनस वन प्लस माइनस वन ठीक है तो कितना हो जाएगा टू बाई थ्री होल टू दी पावर माइनस वन प्लस माइनस में माइनस वन कितना लिखे टू टू दी पावर थ्री होल टू दी पावर कितना लिखेंगे माइनस वन माइनस वन कितना होता है माइनस टू माइनस टू ठीक है माइनस टू मतलब ऐसा हरबड़ी में जीरो वगैरह मत बोल दो ठीक है माइनस टू होता है अच्छा अब इसको हम पहले सिंपलीफाई करेंगे फिर देखेंगे आंसर क्या है इसको हम लोग आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे ए टू दी पावर माइनस एम अगर वन बाई ए टू दी पावर एम होता है तो इसको हम लोग तो मुझे बताओ कि यहाँ पर ए के जगह कितना है पहले तुम लोग मुझे बस इतना बताओ ए के जगह कितना है तो तुम लोग खुद ही कैलकुलेट कर पाओ टू बाई थ्री एम के जगह कितना है एम के जगह बताओ माइनस टू टू ठीक है मैंने एम लिखा है माइनस एम लिखने से माइनस टू ठीक है अगर हम माइनस एम लिख सकते हैं तो माइनस टू बताएंगे लेकिन एम है तो टू बताएंगे ठीक है अच्छा वन बाई ए हो जाएगा तो इसका क्या लिखेंगे बोलो ए के जगह अगर टू बाई थ्री है तो मुझे बताओ वन बाई कितना लिखे ए के जगह टू बाई थ्री है तो टू बाई थ्री लिखोगे लिखोगे कि नहीं अगर ए वन बाई ए हो जाएगा तो वन बाई टू बाई थ्री हो जाएगा क्योंकि मेरा ए तो टू बाई थ्री है और एम के जगह क्या लिखेंगे टू लिखेंगे ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगा वन बाई टू बाई थ्री होल्ड टू दी पावर टू आसान चीज है देखो बहुत से लोग इसमें घबरा जाते हैं जब टू बाई थ्री रहता है जब तक ऐसे रहता है ना टू टू दावर माइनस थ्री तो ये ऐसे लिखने में लगता है कि हाँ आसान है जैसे ही हो गया टू टू दू बाई फाइव होल्ड टू दी पावर माइनस थ्री अब लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है ये ए है ए को लिखना है वन बाई ए तो सेम वही लिखना है ए को लिखना है वन बाई मतलब टू बाई थ्री ठीक है तो ऐसा कुछ भी अलग चीज है ही नहीं ठीक है अब ये हो गया अब इसका आंसर बताओ कितना लिखे ये वन तो वन ही रहेगा अब ये टू बाई थ्री का होल स्क्वायर हो गया ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन है बता सकते हो कितना होगा अब ये टू बाई थ्री का होल स्क्वायर मतलब क्या टू पे भी स्क्वायर है थ्री पे भी स्क्वायर है क्यों अभी अभी दिखाया ना हम लोगों ने ये अगर दोनों जगह क्यूब है तभी तो मिला के एक जगह क्यूब हुआ ना तो अगर दोनों में मिला के स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है मतलब टू स्क्वेयर और थ्री स्क्वेयर बताओ कितना आंसर होगा फोर हाँ नाइन बाई फोर हो जाएगा ठीक है ओवरऑल आंसर नाइन बाई फोर हो जाएगा अभी हम लोग यहाँ पर इसके बाद कौन सा स्टेप करेंगे एक स्टेप और कर लेते हैं ठीक है एक स्टेप और कर लेते हैं इसको हम लोग क्या लिखे यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वन बाई फोर और डिवाइडेड बाई नाइन ठीक है ये हो गया टू का स्क्वायर मतलब फोर थ्री का स्क्वायर मतलब 9. तो अब कितना हो जाएगा? 1 into 9 by 4. Reverse हो जाएगा जाता है जो मैथ्स का तो तो ये हो गया ऑप्शन ए तो है, ठीक है सेवनटीन तो का ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग को करना है ठीक है अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अच्छा में रहने से

बाई नाइन होता क्योंकि ये power negative है तो answer by होगा ठीक है तो ये भी कर सकते 18th number, 18th number का देखो ये भी आसान है ठीक है थोड़ा सा बस हमें दिमाग लगाना है तो पहले बोल रहा है एक्स प्लस वाई होल टू दी 2 टू थर्ड एक्स प्लस वाई होल टू दावर टू थर्ड Uh, फिर इन टू एक्स माइनस वाई कुछ नहीं है मतलब तो इन टू ही है ना एक्स माइनस वाई होल टू दी पावर टू बाई थ्री अच्छा फिर डिवाइड uh, है तो हम ऐसे डिवाइड लिखेंगे ठीक है वैसे लिखने से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है फिर रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई अब ये रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ कुछ नहीं है मतलब ये स्क्वेयर रूट है इसको तुम लोग स्क्वेर रूट ही बोलते हो ना स्क्वेयर मतलब टू स्क्वेयर मतलब टू तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब टू है कुछ नहीं है मतलब टू है ठीक है फिर तो यहाँ पर स्क्र रूट ऑफ एक्स माइनस वाई स्क्वे रूट ऑफ एक्स माइनस वाई होल टू पावर यहाँ पर एक्स माइनस वाई टू पावर थ्री है ठीक है ये यहां पर थ्री है और होल ये यह पर ब्रैकेट क्लोज ये देखो यहां से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज हुआ और उसके पावर में सिक्स है ठीक है तो ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि ये पूरा पावर सिक्स ठीक है थीके? अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा x प्लस वाई टू दावर टू बाई थ्री एक्स माइनस वाई टू पावर टू बाई थ्री ये जैसा है वैसा ही मैंने रख दिया और यहां पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये स्क्वायर रूट है तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं x प्लस वाई होल्ड टू पावर कितना लिख सकते हैं बताओ कितना लिखना चाहिए जैसे कि हाँ बोलो बोलो कितना लिखना चाहिए फॉर्मूला देखो ना कॉपी में वन वन बाई टू वन बाई टू ठीक है यहाँ कुछ नहीं मतलब टू है इसको कितना लिखेंगे इसको कितना लिखेंगे अंडर रूट जो है ना उसको लिख दो उसके बाद पावर उस पे अप्लाई करो तो कितना लिखेंगे अंडर रूट जो है वो लिख दिया इसके ऊपर पावर अप्लाई करना है तो बोलो कितना लिखे आ, होगा और ओवरऑल बोलोगे तो थ्री बाई टू होगा ठीक है दोनों आंसर सही है वन बाई टू ये जैसे हम लिख रहे थे ओवरऑल बोलोगे तो थ्री बाई टू होगा ठीक है जो हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे x प्लस वाई होल टू दावर टू बाई थ्री एक्स माइनस वाई होल टू दावर टू बाई थ्री एक्स प्लस वाई होल टू दावर वन बाई टू एक्स माइनस वाई अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते हैं हो जाएगा ठीक है अब देखो बेस ऊपर और मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हिसाब से अगर देखे बेस बराबर है कौन सा ये और ये ये और ये ठीक है तो बेस बराबर है तो पावर और डिवाइड फॉर्म में है तो पावर माइनस हो जाएंगे ठीक है तो मुझे क्या लिखना चाहिए इसके बाद इसके बाद वाला स्टेप्स में मुझे क्या लिखना चाहिए बताओ यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई ये दोनों अलग अलग सोचो ना मतलब ये तो मल्टीप्लीकेशन है ये डिवाइड है ये डिवाइड है तो मुझे क्या लिखना चाहिए अच्छा नीचे यहाँ ना जगह है चलो कोई बात नहीं हम यहाँ पर एक स्टेप कर सकते बताओ मुझे क्या लिखना चाहिए ए टू पावर एम ए टू पावर एन क्या लिखते हैं ए टू दावर एम माइनस एन तो मुझे बोलो क्या लिखना चाहिए X अच्छा करें हाँ हाँ एक्स प्लस y बोलो बोलो सही बोलते पावर माइनस हो जाएगा एम माइनस एन ऊपर वाला फिर माइनस नीचे वाला पावर जाएगा तो कितना होगा टू टू बाई थ्री माइनस वन बाई टू ठीक है ये बन गया अच्छा अब सोचो इसमें ऐसे लगा हुआ है बी बाई इंटू बी बाई क्यू तो हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं ये तो हो गया ठीक है अब नेक्स्ट क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन तो रखेंगे बी टू दावर पी माइनस क्यू करेंगे सेम यहाँ पर भी बताओ क्या करना है मल्टीप्लीकेशन लगेगा x माइनस वाई जैसा है वैसा हो जाएगा टू बाई थ्री माइनस क्या करेंगे थ्री बाई टू टू बाई थ्री माइनस थ्री बाई टू सेम प्रोसेस में ठीक है सेम प्रोसेस में देखो ऐसे रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे ये पावर जो है बराबर सॉरी बेस जो है इक्वल है डिवाइड है तो पावर माइनस यहां भी माइनस लेकिन इनमें जो काम है वो मल्टीप्लीकेशन का है तो मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पर रह जाएगा अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है पावर का कल, जो है वहां पर ही कैलकुलेशन है और तो कुछ है नहीं तो हम यहाँ पर करके दिखाते एक्स प्लस वाई यहाँ पर टू और थ्री का एलसीएम सिक्स हो गया तो थ्री टू जिक्स फोर माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वाई यहाँ पर सिक्स हो गया फोर माइनस यहां पर हो गया नाइन एक्स प्लस वाई होल टू पावर माइनस वन बाई सिक्स फोर माइनस थ्री सॉरी प्लस वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स और ये x माइनस वाई ये हो जाएगा कितना फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स ठीक है 5, 5 6, अच्छा इसका आंसर देखते हैं कितना है अच्छा आंसर तो मैच नहीं हुआ एक सेकेंड ये क्वेश्चन में ना एक आ, जो है गलत है बोलो मैम छोड़ आप ऊपर कट किया ना अच्छा सॉरी सॉरी ठीक पर नहीं लिखा सेकेंड लाइन से फिर भी मुझे लगता है यहाँ पर एक रेक्टिफिकेशन था वो करना पड़ेगा देखते हैं अभी मैट में सही कर दिया गया है कि नहीं अच्छा ये बाकी है हम लोग का एक सिक्स ठीक है तो चलो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे ये टू दी पावर वन बाय मल्टीपल पावर क्या हो जाएगा जैसे देखो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला में चला जाएगा जैसे हम लोग ऐसे करते हैं ना ए टू पावर पी और बी टू पावर क्यू ऐसा है और होल टू पावर आर है तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे बोलेंगे ना ए टू दी पावर ये ऐसे बोल सकते हैं देखो इस पे पावर और ये वाला भी Power, है ना इंडिविजुअली पावर जो है क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अभी पहले तुम लोग को मैंने फॉर्मूले में दिखाया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पे भी फॉर्मूला इस पे भी पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये वाला जो है इस पे हमारा पावर सिक्स जाएगा और एज वेल एज इस पे भी हमारा पावर जो है सिक्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ठीक है अब कोई कोई चाहो तो इसे एक बार में कर सकते हो ये स्टेप नहीं भी करने से चलेगा तो एक्स प्लस तो क्योंकि देखो वन बाई शिक्स और शिक्स, ये मल्टीप्लाई होने से कितना आ जाएगा वन आ जाएगा वन नहीं भी लिखेंगे तो भी ना चलेगा अब यहाँ पर देखो माइनस फाइव बाई सिक्स और सिक्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फाइव रह जाएगा ठीक है माइनस फाइव रह गया बट यहाँ पर छोटा सा एक गलत है क्वेश्चन में रेक्टिफाई करना पड़ेगा हम देख लेते हैं ये अभी तक जो है मैट में अपडेट नहीं हुआ है इसका आंसर हम लोग का सी मतलब X y होना चाहिए ये वाला जीरो हो जाएगा अच्छा तो एक्चुअली ये ये फिर कितना होना चाहिए जीरो होने के लिए रुको ये मैंने लास्ट टाइम रेक्टिफाई किया था एक मिनट देख लेते हैं ये रेक्टिफाई होगा एक सेकेंड इसमें कितना होने से रेक्टिफाई होगा ये हम लोग का एटीन नंबर वाला था पहले ये ठीक था फिर इस क्वेश्चन को पता नहीं इन्होंने क्या गलत कर दिया इसका यहाँ पर हो जाएगा हम देख अच्छा मिल गया चलो मेरा रेक्टिफिकेशन मुझे मिल गया है हम देख लेते हैं क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा टू बाई थ्री थ्री बाई अच्छा हाँ ठीक है रेक्टिफाई क्या करना है तुम लोग भी मैट में कर लेना ये थ्री बाई होगा ठीक है ये थ्री बाई होगा बाकी सब ठीक है ठीक है बाकी ठीक है ये थ्री बाई टू करना पड़ेगा ये गलत है क्वेश्चन में ये थ्री बाई टू करना पड़ेगा अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मतलब आंसर आ जाएगा ये ना मिस प्रिंट है ठीक है इसे थ्री बाई टू कर लो आंसर आ जाएगा तो ये देखो थ्री बाई टू कर लेते हैं यहां पर कर लिया थ्री बाई टू अच्छा आगे भी देखो थ्री बाई टू यहां पर थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक है अच्छा तो यहाँ पर हम लोग का ये वाला टू बाई थ्री के जगह हो जाएगा थ्री बाई टू ठीक है अब ये थ्री बाई टू और थ्री बाई टू प्लस में जीरो हो जाएगा। ये आगे का कुछ ज्यादा सोल्यूशन आएगा ही नहीं यहाँ पर हो गया ये जीरो हो गया ये जीरो ठीक है ये जीरो होने से ये पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा वन ठीक है ये पोर्शन मेरा कितना हो जाएगा वन हो गया समथिंग टू दावर जीरो वन पावर सिक्स ठीक है अब ये सब होगा ही नहीं अब ये क्वेश्चन में ना गलत था मुझे लगा कि मैट को अपडेट किया होगा इस टर्म के लिए बट इस टर्म के लिए भी नहीं किया बट पहले बहुत पहले ये क्वेश्चन जो है सही था अब कुछ गलत हो गया है जो कि इन्होंने रेक्टिफाई किया ही नहीं अभी तक चलो कोई बात नहीं वन से ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही आता है वही आ गया और वन बाय सिक्स और सिक्स मल्टीप्लाई करेंगे वन हो गया तो एक्स प्लस वाई पावर वन यानी एक्स प्लस वाई आंसर देखो एक्स प्लस वाई हम लोग का ऑप्शन सी मैंने बोला ना ऑप्शन सी है आंसर तो ऑप्शन सी हो जाएगा ठीक है ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो गलत था ना उससे हमारा ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा उल्टे का क्वेश्चन काफी आसान हो गया हम लोग का यहाँ पर थ्री बाई टू करना पड़ेगा तुम लोग मैट में जरूर कर लेना थ्री बाई टू क्योंकि अपडेट नहीं हुआ है अभी तक तो थ्री बाई टू होगा थ्री बाई टू करने के बाद हम लोगों ने क्या किया देखो यहाँ पर यहाँ पर जैसे था हम लोगों ने वैसे ही रखा इसको सेकेंड रूट था तो वन

ये ये और ये बेस बराबर है पावर क्योंकि डिवाइड है पावर माइनस हो जाएंगे ये और ये बेस बराबर है तो ये पावर क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे ठीक है अब ये माइनस में क्या हो गया जीरो हो गया और यहाँ पर कैलकुलेट करने पे हमारा वन बाई सिक्स आ गया अब ये वन समथिंग टू दी पावर जीरो वन होता है वन से कुछ भी मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आ जाता है अब पावर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो गए बचा एक्स प्लस वन ठीक है थोड़ा सा स्टेप्स ज्यादा है क्योंकि हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके किया है लेकिन जब तुम लोग प्रैक्टिस कर लोगे स्टेप करोगे ना तो इतना सारा स्टेप नहीं होगा तो एटीन का हम लोग का सी हो गया अच्छा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन करते हैं क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखो इसमें क्या बोला है सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ वन ट्वेंटी फाइव वोल टू दी पावर टू बाई थ्री फिर बोल रहा है रूट ओवर ऑफ ट्वेंटी फाइव ठीक है इसका मतलब होता है रूट ओवर है ठीक है वो पूरा नहीं देता है लेकिन इसका मतलब रूट ओवर ऑफ ट्वेंटी फिर इन टू है ठीक है फिर देखो कैसे लिखा है थ्री छोटा सा लिखा हुआ है मतलब थ्री एक्चुअली इसके अंदर है जब अंदर होता है ना तो उसको ऐसे ऊपर छोटा सा लिखा जाता है और फाइव क्यूब है ऐसे ठीक है वो तो लिखने का उनका स्टाइल है कि ऐसे लिख दिया ऐसे और यहाँ ऐसे ठीक है लेकिन एक्चुअली इसका मतलब ये होता है तो तुम लोग समझ लो कि ऐसे प्रिंट किया हुआ है तो इसका मतलब यही बताया जा रहा है इंटू फाइव टू दी पावर हाफ इसको सिंपलीफाई करने बोला है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे पूरे यहाँ पर देखो सबसे बेस जो है यहाँ फाइव है यहाँ फाइव है इसका भी फाइव बन जाएगा इसका भी बनेगा बोलो वन Uh, कैसे मतलब कितने टू दी पावर क्या लिखने पे 125 आएगा तो पीछे फाइव है तो तुम लोग को पहले 5 से ट्राई करना चाहिए है है ना क्योंकि का जो टेबल होता है, वहां पर हर जगह पे जो भी डिजिट्स आते हैं उसके पीछे फाइव ही आता है जैसे फाइव वन जो फाइव फाइव टू जो ट्वेंटी फाइव ठीक है लेकिन हम लोगों को तो टेबल नहीं देखना है हमें देखना है फाइव को कितने बार मल्टीप्लाई करने पे वन ट्वेंटी फाइव आएगा ये मैंने फाइव इसीलिए बोला क्योंकि देखो से ऐसा कोई नंबर नहीं आता है क्योंकि टू जो है वहां पर फाइव आना पॉसिबल नहीं है देख लो तुम लोग वैसे चाहो तो चेक करके देख सकते हो तो ये देखो टू का मल्टीप्लाई करो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये देखो वन ट्वेंटी एट आ गया नहीं वाना अब थ्री का देखो थ्री को मल्टीप्लाई करो वन ट्वेंटी फाइव आ रहा है नाइन आया जो की वन ट्वेंटी फाइव से कम है फिर चेक करो ट्वेंटी सेवन एट्टी वन फिर टू फोर्टी थ्री 43, बहुत अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम बार बार तो लिख नहीं रहे Actually, में अगर ऐसे 2, 4, 4, फिर उसमें टू मल्टीप्लाई होने से देखो एट ठीक है फिर टू मल्टीप्लाई हुआ सिक्सटीन ये ऑटोमेटिकली होता है तो थ्री तक हम लोगों ने चेक किया फोर का देखो फोर का हम लोग तब तक चेक करेंगे जब तक हमें वन ट्वेंटी फाइव नहीं मिलता है तो फोर इन टू फोर 56, हमें तो दिया, अब इक्वल दबाने से अगर मैंने क्या किया फाइव इंटू इक्वल किया देखो कैलकुलेटर का सिस्टम देखो फाइव इंटू इक्वल किया तो क्या दिखा दिया ट्वेंटी फाइव अब ये कैसे पॉसिबल है फाइव इंटू फाइव पे पॉसिबल है तो इसका मतलब दो बार फाइव मल्टीप्लाई हो गया फिर एक बार इक्वल दबा दिया ठीक है फिर इक्वल दबा दिया तो तो कितना दिख रहा है 125, मतलब हो गया। तो तुम लोग ध्यान देना हम ऐसे बोलते हैं देखो टू थ्री टू थ्री क्या बोल रहे हैं कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है ठीक है फिर से देखो फाइव इन कर दिया इक्वल दबा दिया मैंने बोला टू टू मतलब यहाँ टू नहीं आ रहा है दो बार फाइव मल्टीप्लाई हुआ थ्री तीन बार हुआ तो फाइव को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें कितना मिलेगा वन ट्वेंटी फाइव मिल जाता है ठीक है फाइव को थ्री बार मल्टीप्लाई करने से वन ट्वेंटी फाइव मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फाइव टू दी पावर थ्री होल टू दावर टू बाई थ्री इन टू अच्छा अब इसको क्या लिखोगे ट्वेंटी फाइव होल टू दी पावर वन बाई टू ठीक है और अगर तुम लोग को पता है कि ट्वेंटी फाइव का स्क्वेयर रूट कैलकुलेटर पे कैसे किया जाता है उसका भी यूज कर सकते हो या फिर अगर ओरली भी पता है ना लेकिन देखो हम फॉर्मूले से भी करवा सकते हैं तो ये ट्वेंटी फाइव का हाफ हो गया क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब टू है ठीक है इसको क्या लिखेंगे फाइव क्यूब होल टू दावर वन बाई थ्री इंटू फाइव टू दावर वन बाई टू तो बेसिकली सारे पावर्स जो है वो बेस जो है वो फाइव में ट्रांसफर करना है तो फाइव टू दी पावर मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है अब ये जो है इसको हम लोग फाइव स्क्वेयर लिख सकते हैं होल टू पावर वन बाई थ्री थ्री इन वन बाई थ्री फाइव टू पावर हाफ तो ये कितना हो जाएगा थ्री थ्री कैंसिल आउट फाइव स्क्वेयर ठीक है यहाँ पर भी टू टू कैंसिल आउट फाइव हो गया यहाँ पर भी थ्री थ्री कैंसिल आउट फाइव हो गया यहाँ पर कितना बचा फाइव टू दी पावर हाफ ठीक है अच्छा अब कैलकुलेट करेंगे सभी बेसिस फाइव है और पावर में क्या है फाइव टू दी पावर टू पहला पावर टू फिर दूसरा यहाँ कुछ नहीं है मतलब वन है ऐसा नहीं कि जीरो मान लो यहाँ कुछ नहीं मतलब वन है क्योंकि ये अगर जीरो होता है तो वो वन हो जाता है बट ये वन थोड़ी नाइ ये तो फाइव है मतलब पावर में कुछ नहीं मतलब कितना है वन है टू और वन बाई टू कैंसिल आउट करके कितना आया वन आया और ये हाफ अब इसका आंसर देखते हैं कितना होगा तो टू प्लस वन थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस हाफ तो फोर प्लस हाफ कितना हो जाएगा एट प्लस वन नाइन बाई टू देखते हैं आंसर क्या है नाइन बाई टू आया मेरा तो यहां पर नाइनटीन का आंसर देखना है मुझे नाइनटीन नंबर का आंसर डी है ठीक है नाइनटीन का आंसर डी है यानी नन ऑफ दिस ये वाला हो जाएगा फाइव टू दी पावर नाइन बाई थ का आंसर हम लोग का हो गया डी अच्छा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठीक <laughs> है अब हम लोग नाइनटीन uh, के बाद ट्वेंटी वाला देखेंगे देखो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इसमें क्या बोला है टू टू दी पावर हाफ फोर टू दावर थ्री बाई फोर ठीक है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ये ब्रैकेट है फिर ये ब्रैकेट है उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट में टू टू दावर वन बाई टू इंटू फोर टू दावर थ्री बाई फोर 8 एट टू दावर फाइव बाई सिक्स फिर से इनटू 16 टू दावर सेवन बाईन बाई टेन ठीक है फिर देखो क्या क्या है इसके बाद सेकेंड ब्रैकेट मतलब ये वाला ये क्लोज है उसके बाद फोर है पावर में ठीक है फिर ये वाला ब्रैकेट क्लोज है उसके बाद थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है थ्री बाई ट्वेंटी फाइव करने बोला ये भी देखने में ऐसा है क्वेश्चन लेकिन है बड़ा आसा ठीक है यहाँ पर देखो जैसा है मैंने वैसे ही लिखा टू टू दी पावर हाफ ठीक है ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा लेकिन फोर को तो हम लोग लिख सकते हैं टू के पावर में फोर के जगह कितना लिखे बोलो सभी टू के पावर में जाएगा देख के पता चल रहा है ना देखो टू के टेबल को सेटिस्फाई करता है फोर है एट है सिक्सटीन है थर्टी टू है टू का टेबल याद करो उसमें फोर भी आता है उसमें जो है एट डायरेक्टली नहीं आता मतलब टू को अगर हम लोग मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं ना तो फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू ये सब आता है अभी अभी हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पे ये चीज देखा है ना तो बताओ कि फोर को क्या लिखे टू के पावर के हिसाब से बोलो टू स्क् टू टू दावर हाँ टू स्क्वायर होल टू दी पावर थ्री बाई फोर जैसा है अब एट को क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे देखो ना एट को कितना लिखें टू क्यूब टू क्यूब फाइव बाई सिक्स जैसा था वैसा ही लिख दिया अब सिक्सटीन को क्या लिखेंगे टू टू द पावर फोर हाँ फोर हो जाएगा अच्छा और थर्टी टू को अभी अभी बहुत बार थर्टी का यूज किया अब तो तो मतलब वैल्यू की तरह याद हो जाना चाहिए बोलो तो गुण गुण में यूज़। हाँ बोलो फाइव है ना कुछ वैल्यूज ना याद हो जाता है करते करते ठीक है याद कर लोगे तो बार बार चेक नहीं करना पड़ता है ठीक है थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है अभी चेक करो लेकिन देखना एक टाइम खुद ही याद हो जाएगा अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे ये जितने भी पावर्स है ना मल्टीपल पावर्स को ऐसे लिखेंगे तो टू टू दी पावर हाफ ठीक है ये नेक्स्ट वाला कितना लिखेंगे ये और ये मल्टीप्लाई होने पे कितना होगा टू इंटू थ्री बाई फोर बताओ अलग से हम लोग यहाँ पर और एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं कर रहे मुझे बोलो कि टू इंटू थ्री बाई फोर मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होगा टू इंटू थ्री बाई फोर कितना हो जाएगा? 3 by 2. ये देखो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना थ्री बाई टू हो जाएगा ठीक है रफली कैलकुलेट करके देखो फिर ये बताओ थ्री इंटू फाइव बाई सिक्स कितना हो जाएगा ऐसे करके देखो ना थ्री इंटू फाइव बाई सिक्स कितना हो जाएगा नेक्स्ट फोर इंटू सेवन बाई एट बताओ कितना होगा बाई टू ठीक है अच्छा नेक्स्ट ये वाला फाइव इंटू नाइन बाईन बाई टू हाँ नाइन बाई टू ये टू हो गया नाइन बाई टू ठीक है ऐसे कर लेंगे तो स्टेप्स कम होगा और जितना ज्यादा लिखेंगे ज्यादा बढ़ेगा फिर तुम लोग को लगेगा कि बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ऐसा नहीं है ठीक है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्लोज करेंगे ये फोर लिखना है भूलना नहीं है हम लोग को फिर इसे क्लोज करना है ये भी लिखना है भूलना नहीं है ठीक है अच्छा अब ये सब बेस बराबर है मल्टीप्लीकेशन में है पावर ऐड हो जाएंगे चलो ऐड कर लो ठीक है तो यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं ठीक है यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार देखना तो पड़ेगा टू के पावर पे कितना है हाफ है थ्री बाई टू है फिर प्लस फाइव बाई टू सेवन बाई टू नाइन बाई टू फाइव बाई टू सेवन बाई टू नाइन बाई टू ठीक है अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर फोर और इसके बाद यहाँ पर थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है अच्छा अब इसका कैलकुलेशन करो ये टू टू दी पावर में है तो टू टू दी पावर ये सबका एलसीएम तो टू ही होगा सबके मतलब यहाँ पर तो टू लिखा हुआ है ना तो एलसीएम टू हो गया ठीक प्लस 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 है अच्छा होल टू दी पावर फोर और इस पे भी पावर थ्री बाई ट्वेंटी फाइव ठीक है अब तुम लोग बताओ कि ये कितना हो रहा है टू टू दी पावर ये कितना आ रहा है एड करने के बाद थ्री प्लस वन फोर फोर प्लस फाइव नाइन नाइन और नाइन एटीन एटीन और सेवन जितना होता है उतना ही होगा ट्वेंटी फाइव ठीक है अच्छा फिर ये यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ फोर और यहाँ पर थ्री बाय ट्वेंटी फाइव अब देखो टू में मल्टीपल पावर्स है मल्टीपल पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा बताओ ये सब पावर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना लगातार तो बताओ कितना होगा ये तो पावर्स है ये थोड़ा सा मतलब छोटा सा लिखना चाहिए मुझे तो पावर की तरह दिखेगा ठीक है मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा डिजिट लिख दिया चलो कोई बात नहीं तो ये पावर है ना ऊपर लिखा है मैंने सब देखो पावर है जैसे तो फिर ये मल्टीप्लाई होने से कितना आएगा बताओ बोलो कितना आ रहा है टू टू पावर सिक्स ठीक है टू भी लिखना है ना हमने साथ साथ यहाँ पर हो गया मतलब टू टू दी पावर सिक्स तो टू टू दी दावर सिक्स कितना देखो याद रखने का ये बेनिफिट है ना टू टू दी पावर फाइव थर्टी टू होता है तो टू टू दी पावर सिक्स कितना होगा थर्टी टू में एक बार टू मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं याद रहता है तो कैलकुलेटर तो है ही कोई बात नहीं थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर ठीक है तो देखते हैं सिक्सटी फोर का कोई ऑप्शन अच्छा हमें ऐसा नहीं बोला है हमें बोला है फ्रैक्शन में आंसर आएगा इंटीजर में वन और नन ऑफ दिस ठीक है तो बोलो क्या आंसर आया फ्रैक्शन आया इंटीजर आया देखो वन तो आया नहीं दिख रहा है ठीक है तो ये तीनों में से कोई एक आंसर होगा फ्रैक्शन इंटीजर नन ऑफ दिस बोलो क्या आंसर होगा इंटीजर इंटीजर ठीक है फ्रैक्शन का मतलब होता है डिवाइड फॉर्म में जैसे ए बाई बी फॉर्म ये फ्रैक्शन होता है ठीक है इंटीजर का मतलब जिसमें कोई पॉइंट वन नहीं होता है तो सिक्सटी फोर इंटीजर नंबर हो गया ठीक है तो ऑप्शन बी हम लोग को आंसर देना चाहिए ठीक है तो ये हम लोग का हो गया ऑप्शन बी। चलो ट्वेंटी नंबर कंप्लीट ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन देखो इसमें क्या दिया हुआ है वन माइनस फिर वन फिर माइनस फिर वन माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर माइनस वन फिर माइनस वन फिर ये ब्रैकेट क्लोज है फिर माइनस हाफ है ठीक है तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है तो लिखने में इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है सबसे पहले लिखना है बहुत ही सावधानी से क्योंकि ऐसा क्वेश्चन लिखते हुए ऐसा लगता है हम लोगों ने माइनस वन लिख दिया लेकिन दोबारा माइनस वन है इसमें गलती होता है ठीक है अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम लोग बचपन में जब कुछ ऐसा होता था ना स्टेप वाइज जो क्वेश्चन होते थे उसमें देखो तुम लोगों को एक रूल्स पता होगा बॉडमस ठीक है उसमें क्या होता है सबसे पहले ब्रैकेट का, का काम होता है ठीक है उसके बाद ओ यानी ऑफ होता है ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन का, का काम होता है ठीक है डी दी मतलब डिवाइड का, का काम होता है ठीक है तो इस तरह से बॉडमस ये वाला कंसेप्ट हम लोग फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना पड़ता है जैसे ये वाले ब्रैकेट्स में जो रहते हैं उनका काम सबसे पहले होता है मतलब उस पर जो भी कैलकुलेशन होगा आफ्टर दैट ये वाला और उसके बाद ये वाला तो इसीलिए हम लोग जब बचपन में पढ़े थे हम लोग इसको बोलते थे फर्स्ट ब्रैकेट ठीक है इसको बोलते थे सेकेंड ब्रैकेट इसको बोलते थे थर्ड ब्रैकेट क्योंकि इसका काम सबसे लास्ट होता है ठीक है तो अभी हम लोग को यही वाला चीज को यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा तो तुम लोगों ने भी तो सीखा होगा हो सकता है किसी और नाम से सीखा हो बट सीखा है ठीक है बॉडमस रूल्स ठीक है तो बॉडमस में सबसे पहले ब्रैकेट में जो भी वैल्यूज रहेंगे उसका काम होगा लेकिन यहाँ तो सारी चीज ब्रैकेट में है। फिर कौन सा पहले करें जो हमारे फर्स्ट ब्रैकेट में ठीक है जिसको ये वाला ब्रैकेट इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट तो सबसे पहले हमें बाकी चीजों को जैसा है एज इट इज रखना है इस फंक्शन को यहाँ पर दिखाना है कितना हो ठीक है तो ये देखो मैंने यहां तक एज इट इज रख दिया दिख रहा है तुम लोग को फिर ये पोर्शन मैंने एज इट इज रख दिया बाकी क्या रखा ये वाला पोर्शन ठीक है क्योंकि इसका काम पहले हमें करना पड़ेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ये क्या है ये है वन माइनस दी पावर माइनस वन और ये माइनस वाले फॉर्मूले से टैली होता है मतलब ए टू दी पावर माइनस एम मतलब वन बाई एम ठीक है तो यहाँ पर ए कितना है अगर समझ लेते हैं और एम कितना है समझ लेते हैं तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं तो मुझे बोलो यहाँ पर ए कितना है ए टू दी पावर माइनस एम के हिसाब से ए कितना है बोलो ए कितना है वन वन ठीक है one. One, one, अब हम लोग क्या करेंगे वन बाई ए लिखेंगे तो बोलो मुझे कितना लिखना चाहिए वन बाई ए के जगह जो है वन बाई ए ए के जगह कितना लिखे वन माइनस एक्स स्क् और पावर में एम लिखना है एम का पावर वन है तो वन लिखो या ना लिखो कुछ फर्क तो नहीं पड़ने पा रहा अगर लिखना है तो लिख दो ठीक है तो ये हो गया तो देखो ये वाला पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन ये बस एक ही फॉर्मुले पे बेस्ड है अभी जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा ना इसी पे बेस्ड है तो ये कैलकुलेट होके आ गया ठीक है तो ये क्या हो गया हम लोग का ये वाला ब्रैकेट हटके इसका जो वैल्यू है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया अब इससे क्या होगा इससे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं यहां मैंने ना माइनस नहीं लिखा ये वाला वन माइनस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे एलसीएम करेंगे ये ये जो है ना यहां से लेके यहां तक इसका एलसीएम हो जाएगा एलसीएम किस चीज का होगा वन माइनस वन बाई वन माइनस एक्स स्क्स एलसीएम हो जाएगा ना तो इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो देखो कैलकुलेशन कैसे होगा इसमें एलसीएम कितने का होगा वन माइनस एक्स होगा वन लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है तो एलसीएम वन माइनस एक्स स्क् नीचे कुछ नहीं है मतलब वन है वन से डिवाइड करेंगे तो वन माइनस एक्स स्क् मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस एक्स है फिर माइनस यहां से ये डिवाइड होके वन आया वन इंटू वन वन हो गया ठीक है ये यह यहां पर क्लोज ये यह यहां पर माइनस वन जैसे था ये यह यहाँ पर माइनस हाफ जैसा है ठीक है ज्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं अभी तक देखो हम लोगों ने कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं किया सिंपल सा चीज ही किया है ठीक है लेकिन कंसेंट्रेशन रखना है बस और कुछ नहीं ठीक है हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर फिर इसका सिंपल एक कैलकुलेशन किया जो तुम लोग बचपन में काफी बार कर चुके हो ठीक है अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे वन माइनस ये कैलकुलेट कर लेंगे ठीक है वन माइनस एक्स स्क् माइनस वन ठीक है माइनस वन माइनस हाफ हम लोगों ने ये ब्रैकेट ओपन किया ठीक है अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और कुछ नहीं। माइनस ये और ये कैंसिल आउट हो गया माइनस एक्स स्क्वे वन माइनस एक्स स्क् माइनस वन माइनस हाफ हो गया ठीक है अच्छा अब वन माइनस यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस को कॉमन ले सकते हैं ठीक है माइनस कॉमन लेने से क्या होगा हमारे कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा नहीं तो फिर ये जो पावर में माइनस वन है ना इसको ट्रांसफर करने में दिक्कत होगा या फिर ऐसे कर सकते हो इसको रफली लिख के भी ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन बेटर होगा कि हम लोग सम्स uh, के अंदर ही रखते हैं समझने में आसानी होगा ये हो गया यहाँ पर माइनस ले लो कॉमन तो ये अंदर क्या बनेगा एक्स का स्क्वायर माइनस वन ठीक है ये अंदर ऐसे हो जाएगा अच्छा ये ऐसे क्यों हुआ अगर किसी को इस चीज का दिक्कत है तो फिर हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे ठीक है तो माइनस कहाँ पर है यहां पर है ठीक है तो ये इसको रिवर्स कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है माइनस एक्स ठीक है माइनस माइनस में प्लस वन आ रहा है ठीक है तो इससे क्या हुआ हम लोग का माइनस जो है ये हट जाएगा कैसे ये रहा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर दिया टू दी पावर माइनस वन ये एक बेनिफिट हुआ कि हम लोग का माइनस हट गया नहीं तो इतने सारे माइनस लेके परेशान हो जाओगे यहाँ माइनस यहाँ माइनस ठीक है फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसीलिए यहां से मैंने माइनस को एलिमिनेट कर दिया नेक्स्ट क्या करेंगे वन माइनस अब ये टू दी पावर माइनस वन है मतलब ए टू दी पावर माइनस एन जैसे कि मैंने बोला ये पूरा क्वेश्चन इस के फॉर्मूले पे बेस्ड है ए टू दी पावर एन अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ए के जगह कितना है ये जो डेटा आया यहाँ पर A के जगह कितना है मतलब यहाँ पर हम लोग का कितना हम लो का आया हम लोग का आ गया एक्स का स्क्र एक्स का स्क्वेयर माइनस वन होल टू दावर माइनस वन टू दावर माइनस हाफ तो यहाँ पर हम लोग का ए के जगह कितना आया ये बताओ ए के जगह कितना आया ये वाला एक्स का स्क्वेयर एक्स का तो स्क्वायर माइनस वन जगह इतना आ गया और एम के जगह कितना आया आ आ आ गया वन आ गया एम के जगह ना ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं यहाँ पर आगे लोग दिक्कत हो जाता है सबको ठीक है तो, लेकिन है वही वाला वही फ्रैक्शन वाला चीज ही है लेकिन एक्स है तो फिर ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम हो रहा है प्रॉब्लम नहीं है तुम लोग ध्यान से देखो ये है समथिंग टू दावर माइनस वन समथिंग टू दी पावर माइनस वन, वन है ठीक है तो सिंपल वही फॉर्मूले के तरह ट्रीट करो हम फिर से तुम लोग को बताते इसी फॉर्मूले पे ट्रीट करो तो यहाँ पर ए कितना क्या लिखना है वन बाई ए लिखना है तो मतलब क्या लिखेंगे माइनस वन होल टू पावर वन ये लिखना है ठीक है ये लिखेंगे आई होप कि इसमें दिक्कत नहीं है और अगर दिक्कत है तो दोबारा बता देंगे बोलो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलो ठीक है कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम अगर कुछ है तो क्वेश्चन को जैसे प्रेजेंट मतलब क्वेश्चन का जो मतलब लेंथ है ना या फिर जैसा डिजिट है उस पर प्रॉब्लम है सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ठीक है वो तो हम लोग का सोच है कि लग रहा है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है कुछ भी डिफिकल्ट नहीं इसको हम लोगों ने पहले सॉल्व कर लिया फिर सिंपल जो हम लोग एलसीएम करके कैलकुलेशन करते वही कैलकुलेशन चला हम लोग का यहाँ तक फिर एक माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं उसके बाद ये लिख दिया अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ पर करके देखते वन माइनस ये ये वाला मैंने लिखा फिर ये वाला जो है ये पावर में माइनस जो है इसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे वन बाई लिखेंगे ठीक है वन बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स स्क् माइनस टू दी पावर वन ठीक है लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं या पावर माइनस हाफ होगी ठीक है अच्छा अब इसको कैसे सॉल्व करोगे ये रिवर्स कर लो तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क् माइनस हाफ एलसीएम करो ये एक्स स्क्वेयर हो गया यहाँ पर एक्स का स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन ब्रैकेट जरूर देना नहीं तो फिर से गलत हो जा हो सकता है कि माइनस माइनस में प्लस ना लिखो तो अगर हैबिट नहीं है तो जरूर ब्रैकेट देना जब मोर देन वन में प्लस वन नीचे एक्स स्क् जैसे था माइनस हाफ ये और ये कैंसिल आउट वन बाई एक्स स्क्वेयर टू दावर माइनस हाफ ठीक है, फिर से देखो वही फॉर्मूला मैंने बोला ना पूरा क्वेश्चन उसी फॉर्मूले पे बेस्ड है मतलब वही ए टू दी पावर माइनस एम इक्वल टू वन बाई ए टू दी पावर एम अब ए A है A है ये पूरा X A कितना है हाफ ठीक है तो मुझे क्या करना है मुझे लिखना है वन बाई ए तो वन बाई ए लिखेंगे ए मेरा कितना है वन बाई एक्स स्क् तो ये वन बाई ए हो गया ये वन के साथ कंफ्यूज मत हो जाओ वन बाई एक्स स्क्वायर पूरा का पूरा मेरा ए है क्योंकि ये क्या है समथिंग टू दी पावर माइनस हाफ मतलब ए टू दी पावर माइनस m इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये पूरा मेरा ए है ए टू पावर ये क्या है माइनस एम है ठीक है तो ए के जगह क्या लिखना पड़ेगा वन बाई ए ठीक है और माइनस हाफ जो है तो ये एम है तो ये यहाँ पर पॉजिटिव हो गया वैल्यू ठीक है अब इसका आंसर कितना आ जाएगा इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे वन बाई यहां पर ये वन पे भी पावर हाफ हो जाएगा और एक्स पे भी पावर हाफ हो जाएगा तो वन टू दी दावर हाफ मतलब कितना हो जाएगा वन ही रहेगा और एक्स टू दी पावर टू होल टू दी दावर हाफ तो ये हो गया वन बाई एक्स तो ये वन इंटू एक्स बाई वन यानी कि एक्स हो जाएगा ठीक है ये एक ऑप्शन है हम लोग का ठीक है इसको हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं मतलब हम लोग का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है ट्वेंटी वन का ऑप्शन है और इसके बाद हम लोग और एक तरीके से इसको टर्न कर सकते हैं बाकी एज इट इज ही करना है क्या कर सकते हैं वन बाई एक्स स्क्वेयर को हम लोग एक्स टू दावर माइनस टू लिख सकते हैं क्यों ऐसा क्यों लिख दिया मैंने क्योंकि देखो अगर ए टू दी पावर माइनस एम का मतलब वन बाई ए टू दावर एम होता है तो इससे हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर हो सकते हैं ठीक है तो वन बाई ए टू दावर एम अगर लिखा हुआ है पावर एम तो ये मेरा क्या हो गया ए हो गया एक्स और एम क्या हो गया टू तो मुझे इसको ऐसे लिखना है माइनस में लिखना है अब तक हम लोग माइनस को प्लस में कर रहे थे लेकिन अगर हम लोग इसको माइनस में लिखते हैं तो हमारा आंसर सॉल्व करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा अभी कैसे देखो तो मैंने क्या किया मैंने क्या किया यहाँ पर पावर में लिखने का कोशिश किया तो ए के जगह क्या है एक्स है एम का जगह क्या है टू है तो एम को तो मुझे माइनस में लिखना पड़ेगा तो मैंने लिख दिया टू दी पावर माइनस टू ठीक है अच्छा अब इस पे दी पावर कितना है माइनस हाफ है अब मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो माइनस टू इंटू वन बाई इन माइनस वन बाई टू तो ये कैलकुलेट होके कितना आ जाएगा एक्स आ गया ये डिफिकल्ट है बट ये आसान है तो हमेशा हमें दोनों तरह का कन्वर्जन सोचना चाहिए राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट दोनों तरीके का ध्यान में रखना चाहिए हमेशा माइनस से हमें पॉजिटिव पावर लाना है ऐसा जरूरी नहीं होता है अगर हम लोग पॉजिटिव से माइनस में जाते हैं तो कभी कभी हमारा आंसर जल्दी सॉल्व होता है ये क्वेश्चन अच्छे से करना क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और मतलब आता है मतलब ये नहीं बोलेंगे कि हर बार आता है ऐसा नहीं बोल रहा इस तरीके का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो तो और उसके साथ साथ हम लोग का ये लॉग में भी सेम यही क्वेश्चन है बस सामने लॉग लगा हुआ है ठीक है तो इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है लेकिन क्वेश्चन आसान है सिर्फ एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है पूरा का पूरा क्वेश्चन यही वाले फॉर्मूले पे बेस्ड है दूसरा कोई फॉर्मूला लगा ही नहीं यहाँ पर ठीक है मतलब इंडेसिस का फॉर्मूला पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ठीक है तो ये एक लाइन है और ये एक लाइन है ठीक है इससे करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा इससे थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट लग सकता है तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इसको फॉलो कर सकते हो तो दोनों तरीके का कन्वर्जन ध्यान में रखो तो ट्वेंटी वन का हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन ए ठीक है अच्छा अब हम लोग देखते हैं ट्वेंटी टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू देखो इसमें क्या बोला है एक्स टू दी पावर एन होल टू दी पावर एन माइनस वन बाई एन फिर होल टू पावर वन बाई एन प्लस ये फाइंड आउट करने बोला है ठीक है तो हमें क्या पता है मल्टीपल मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं सिंपल तरीका मल्टीप्लाई करो एन इन टू एन माइनस वन बाई एन इन टू वन बाई एन प्लस वन देखो कितना आता है ठीक है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये लिख लिया अच्छा अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा एलसीएम पूरा कर लेना चाहिए तो ये हो गया एन स्क्वेयर माइनस वन इन टू वन बाई एन प्लस वन इसका मैंने एलसीएम कर दिया फिर भी लेकिन हमारा सोल्यूशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ हाँ एक चीज हुआ एन एन कैंसिल आउट हो सकता है अब तुम लोग को एक फॉर्मूला याद है बचपन में पढ़े होंगे ए स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल कितना होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ये फॉर्मूला तुम लोगों ने जब एल्जेब्रा सीखना स्टार्ट किया होगा ये फॉर्मूला सभी ने किया होगा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वेयर करते हो a माइनस बी का होल स्क्वेयर करते हो क्यूब फॉर्मूला करते हो वैसे ये फॉर्मूला बचपन वाला थोड़ा सा याद कर लो ए स्क्र माइनस बी स्क्र भूल गया कोई बात नहीं हम अभी याद दिला देते हैं तो है? है। यहाँ पर ए स्क्र बी स्क्वेयर होना चाहिए तो ए का मतलब एन हो गया बी का मतलब वन का स्क्वेयर हो गया इसको क्या लिखेंगे एन प्लस वन एन माइनस वन ठीक है तो ये देखो एन प्लस वन एन माइनस वन ठीक है ये 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 वाला तो देखो तो क्या बचता है ठीक ऑप्शन तो, हाँ तो अभी ना हमें थोड़ा सा वो बचपन वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा अभी हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे ना वो थोड़े से हमारे वो पुराने फॉर्मूले जो कभी किए थे तुम लोगों ने वो यूज होगा ठीक है तो जैसे एक मैंने यहाँ पर बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वेयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ठीक है अच्छा अब हम लोग ट्वेंटी थ्री क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री करते हैं। यहाँ पर देखो फॉर्मूला बता दिया है हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता है जो कि हमें बता दिया है देन सिंप्लीफाई करने बोला है इसको ठीक है तो पहले ना हम क्वेश्चन लिखेंगे फिर दिखाते हैं कि फॉर्मूला का यूज कैसे कर सकते हैं यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है x टू दी पावर ये l है और नीचे m है ठीक है तो ऐसे हो जाएगा x टू दी पावर l डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m इनटू अ सॉरी पहले टू दी पावर टू दी पावर है l स्क्वायर l m m स्क्वायर l स्क्वायर l m m स्क्वायर फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है फिर है x टू दी पावर m और n एम स्क्वेर एम एन एन स्क्र एम स्क्वेयर एम एन और एन स्क्वेयर ठीक है ये क्वेश्चन सब जैसा दिया हुआ है हम वैसा ही लिख रहे हैं एम एन हो गया एन एल एन और ये एन हो गया अच्छा पावर में क्या दिया हुआ है देखो एल स्क्वेयर एल एन एन स्क्र अब देखो ये बेस बराबर है डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाएगा सीधा सा बात है ठीक है और बाकी ऊपर जितना लिखा हुआ है हम जस्ट देख देख के उसे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं ठीक है क्वेश्चन का जो है डेटा उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेते हैं एम माइनस एन हो जाएगा ठीक है लेकिन जब माइनस करते हो ना तो एक चीज का ध्यान रखना ऊपर जो पावर है वो माइनस नीचे का डेटा का पावर जाएगा ठीक है तो एम स्क्वेयर प्लस एम एन प्लस एम स्क्वेयर जैसा है मैंने वैसा लिख दिया देख देख के ठीक है एक्स टू दावर एन माइनस एन पावर एल है ये कैलकुलेट हो गया अच्छा अब देखो मल्टीपल पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं मल्टीपल पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो अगर अब हम लोग फॉर्मूला का यूज अगर देखें देखो a माइनस बी ए स्क्वेयर ए बी बी स्क्र इसका मतलब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ठीक है तो अगर हम लोग ए माइनस बी हमारे पास भले ही ना हो लेकिन हम लोग के पास क्या है एल माइनस एम है ठीक है तो a माइनस बी के जगह क्या है l माइनस एम तो ए स्क्वायर है तो l स्क् होना चाहिए l -square है ठीक है फिर क्या होगा प्लस एल एम और एम स्क्वेयर ये देखो प्लस एल एम एम स्क्वेयर यहां पर जो दो डेटा का माइनस है वो आगे ऐसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ये देखो a माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर ऐसे फॉर्मेट में जो आता है वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ये एक्चुअली एक क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है तो यहाँ पर भी चेक करो एम माइनस एन है तो आगे क्या होना चाहिए एम स्क्र ये देखो ए स्क्र के साथ कंपेयर करेंगे ना यहाँ पर ए के जगह क्या है एम है और बी के जगह क्या है एन है ए बी तो एम एन होना चाहिए ये एम स्क्र है फिर लास्ट में B -square, तो N -square होना चाहिए N -square है बीच में सब प्लस होना चाहिए सब प्लस है ठीक अच्छा, है अच्छा एन माइनस एल है ए के जगह ये ए है ये बी है ठीक है तो फिर क्या होना चाहिए ए स्क्वेयर तो ये देखो ए स्क्र ही है ठीक है एन माइनस एल है कोई बात नहीं ये ये नहीं है कोई बात नहीं ये देखो हम लोग का ए एन है तो ये रहा ए स्क्र है ठीक है प्लस बी मतलब स्क्र मतलब एक ही बात है ए स्क्र प्लस एबी प्लस बी स्क्र लिखो या बी स्क्र प्लस ए बी प्लस ए लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला प्लस में थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है तो इसका मतलब ये ये दोनों वैल्यूज अगर मल्टीप्लाई होंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लाएंगे इसका मतलब यहां पर क्या लिखना चाहिए एल क्यूब माइनस एम क्यूब क्योंकि ए बी के जगह पहले केस में हमारे पास एल एन है ठीक है फिर उसके बाद ए बी के जगह एम एन है तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब हो जाएगा और लास्ट में हमारे पास है एन क्यूब माइनस एल क्यूब ठीक है अब क्योंकि बेस बराबर है और पावर मल्टीप्लीकेशन uh, है तो पावर एड हो जाएगा एल क्यूब माइनस एम क्यूब प्लस एम क्यू माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यू माइनस एल क्यू ठीक है तो आंसर कितना आएगा सब कैंसिल आउट होके x टू पावर जीरो यानी कि वन ठीक है x टू पावर जीरो यानी कि वन आ गया यानी ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है तो इससे हम लोग का ऑप्शन बी आंसर आ गया आसान है बस तुम लोग को जो दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको फॉलो करना है अगर नहीं दिया हुआ होता और तुम लोग को फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्या करते तो मेहनत वाला काम करना पड़ता क्या करोगे ये मल्टीप्लाई करना ऐसे तीन फिर ये मल्टीप्लाई करना फिर कैंसिल आउट होके ना यही आएगा चेक करके देखना घर पे कि एल ये पूरा मल्टीप्लाई करना जैसे हम एक दिखा देते प्रूफ दिखा देते जैसे देखो इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो एल इंटू एल 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 इंटू एल एम तो एल स्क् एल इंटू एम स्क्र ठीक है फिर माइनस एम एल स्क्स एल एम स्क्वेर ठीक है फिर माइनस एम क्यूब देखो एल एम स्क्वेर एल एम स्क्वेयर फिर एम एल कैंसिल आउट क्या बचा एल क्यूब माइनस एम क्यूब वही बचा ठीक है अगर मान लो ये हिंस नहीं दिया हुआ रहता और तुम लोग डायरेक्ट नहीं लिखते तो क्या करना पड़ता मेहनत करके मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई करते सब कट के ये दो वैल्यूज बचते हर जगह पे फिर ये होता मतलब एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा होता लेकिन आंसर हम लोग फिर भी कर पाएंगे अगर ये हमारे पास नहीं है और हमें फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या हम लोग बिना आंसर के आ जाएंगे नहीं फिर भी हम लोग आंसर कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद है हम लोग का अभी भी काफी सारा क्वेश्चन है ठीक है तो आज ना हम लोग इतना ही करते हैं क्योंकि थोड़ा हेवी है क्वेश्चन ठीक है मुझे पता है थोड़ा सा हेवी जा रहा है तो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ तक स्टॉप करेंगे ताकि तुम लोग को ऐसा ना लगे कि बहुत ज्यादा टफ टफ हो गया तो 23 तक ही करते इसको फिर से तुम लोग एक बार प्रैक्टिस करना नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तो कम्प्लीट हो ही जाएगा आराम से पता है शायद लॉग भी हमारा स्टार्ट हो जाए लेकिन उसके पहले तुम लोग इसको अच्छे से करो ठीक है जितना भी हम लोगों ने आज सीखा है और हम एक्स्ट्रा नहीं करवा रहे जो भी फॉर्मूला वगैरह जैसे ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर लो अभी जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ ना इसको भी थोड़ा सा याद करो जैसे ये वाला ठीक है ये वाला तो ये सब हम लोग नेक्स्ट दिन फिर से इसका यूज करेंगे मतलब जो हमारा वेडनेसडे जो क्लास होगा उसमें ठीक है तो उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे ठीक है फिर आज इतना ही करते हैं थैंक यू मैम ठीक है बाय